चलिए आई होप आपको अभी आवाज जो है सुनाई दे रही होगी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल वन जीरो वन में मेरा नाम है संदीप जानी अन अकेडमी पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारे YouTube पे सेशन चलते हैं और साथ ही साथ में स्पेशल क्लासेस जो कि अन अकेडमी की ऐप पर होती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं साथ ही साथ में सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लासेस जो हैं वो भी चलती हैं जिसके अंदर अभी हाईवे इंजीनियरिंग जो है दो दिन हुए हैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो शुरू हुआ है ज्योमेट्रिक डिजाइन की बातें शुरू हुई है और कल से हम डिजाइन जो है वो शुरू करेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर जाके वहां पर मेरी प्रोफाइल में आपको ये कोर्स दिखेगा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो एनरोल बटन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्रिप्शन नहीं है तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है आपको और उसके बाद आपको रेफरल कोड यूज करना है डबल दोस्तों बात करते हैं स्पेशल क्लास की तो स्पेशल क्लास के अंदर भी आपको सेम रेफरल कोड संदीप डबल वन यूज करना है फटाफट से डिफाइंड करते हैं कि अब तक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जब हम बात कर रहे थे वेस्ट वाटर की और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की बातें हो रही थी शुरू कहां से हुई थी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हमने सबसे पहले वेस्ट को समझा वेस्ट क्या है क्या इसके टाइप्स हैं फिर उसके बाद हमने जाना था वेस्ट की प्रॉपर्टीज क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या केमिकल क्या और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना हमने बात की सीओडी की बीओडी की हमने बातें की वेस्ट को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं बायो कितनी ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको डिकम्पोज करने के लिए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में हमने बात की दोस्तों और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे फिर किस सीवर के थ्रू आप उसको लेके जाएंगे सीवर के बारे में बात की सीवर के कंपोनेंट्स के बारे में बात की और उसके डिजाइन के बारे में बात की अब आप उस वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं उसके बारे में हमने सुबह बात करनी शुरू की थी तो सबसे पहले स्क्रीन आउट कर कर देंगे बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज जो है उनको हटा देंगे ग्रिड चैम्बर जो है उसके अंदर इनऑर्गेनिक यानी कि तो गंगर पत्थर अलग हो जाएंगे इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हट जाएंगी फिर उसके रिलेटेड डिजाइन क्वेश्चन किया था हमने स्कीमिंग टाइम्स के टैंक के अंदर ऑयल और ग्रीस जो वो है वो हटाए जाते से� हैं सेडिमेंटेशन टैंक में जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी है जो कि हल्की थी जो में नहीं सेटल हुई उनको हम यहां पर हटाते हैं सिक्सटी परसेंट सेडिमेंटेशन टैंक में ही हट जाती हैं और बाकी के लिए हमें फर्दर जो है उसके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है बैक्टीरिया के साथ उसको रिएक्ट करवा के उसको हम क्या करवाते हैं बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा और फिर वो स्लज की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा

फिल्टर के अंदर हमने क्या बोला था दोस्तों? और दो सिस्टम थे आपके पास अटैच्ड वाला और मतलब कि किसी किसी लगा हुआ है और पानी को हम उसके डाल रहे और का मतलब कि पूरे के पूरे बेसिन में पूरे टैंक में ही बैक्टीरिया इधर उधर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात की दोस्तों हमने यहां पर स्टोन जो प्रेजेंट थे इसके ऊपर हमने जो है बैक्टीरिया रखा हुआ है या यहाँ से ऊपर से जब पानी इसके अंदर आएगा तो वो इसके आर्म्स जो है इसके जो हाथ हैं, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनिफॉर्मली उन स्टोन के ऊपर पानी जाके गिरेगा वहां बैक्टीरिया है फिल्म फॉर्म होगी एक जो बायोफिल्म जिसको हम बोलते हैं और वो बाद में वहां से पील ऑफ हो जाएगी हट जाएगी वहां से और फिर फर्दर आगे बैक्टीरिया इसी तरीके से रिएक्ट करता रहता है उसके बाद हाई रेट के अंदर क्या करते हैं कि स्लज को ऐड कर दिया जो जो एफ्लुएंट था था बाहर जा रहा था, वेस्ट वाटर जिसमें खूब सारा बैक्टीरिया था उसको उठा के इस फिल्टर में डाल दिया तो इसका जो प्रोसेस है वो और तेज हो गया तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हम इसको बोल देते हैं तो नॉर्मल वाले में क्या हो रहा था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो पानी आया जिसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक साठ से सत्तर जो आपके पार्टी केमिकल्स थे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में 60 से लेके 70 परसेंट जो ऑर्गेनिक पार्टिकल थे वो हट चुके हैं अब जो बाकी 30 से 40 परसेंट बचे उसको हम क्या कर रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर की मदद से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इनकी मदद से हम उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो नॉर्मल चला तो आपका स्टैंडर्ड ट्रिक जो ट्रिकलिंग फिल्टर अगर आपने इस एफ्लुएंट को यहां से निकाल के वापस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर में डाल दिया तो हाई रेट वाला आपका ट्रिकलिंग फिल्टर हो जाएगा इससे रिलेटेड कुछ ये डेटा था हमारे पास लोडिंग रेट क्या होता है लोडिंग रेट है आपने कितना बीओडी अप्लाई किया है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर क्या है आपका ऑर्गेनिक लोडिंग ऑर्गेनिक लोडिंग का मतलब कितना बीओडी आपने लगाया पर यूनिट मास ऑफ बैक्टीरिया जो आपके पास है सॉलिड रिटेंशन टाइम की इस पूरे प्रोसेस में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आपने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से गया एरेटर में एरेटर से गया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में और वहां से स्लज वापस घूम के आ रही है सेम प्रोसेस के अंदर तो उस पूरे साइकिल में कोई बायोमास जो है बैक्टीरिया जो है वो कितने टाइम तक वहां रिटेंट हो रहा है कोई सॉलिड पार्टिकल कितने टाइम तक उस पूरे प्रोसेस में रह रहा है ये सॉलिड रिटेंशन टाइम समझा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना वॉल्यूम ऑफ स्लज हम निकालें जिससे कि आपको एक ग्राम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड मिले स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जितना ये कम वैल्यू होगा उतना ही हम समझ जाएंगे कि पार्टिकल उतना अच्छे से सेटल से हुए हैं क्वांटिटी ऑफ रिटर्न इसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों की लिविंग बैक्टीरिया तो एम एल और सॉरी लिविंग और डेड दोनों तो एम एल और एम एल जो आपके पास था वो लिविंग और सिर्फ लिविंग था जो कि 80 परसेंट होता है लिविंग प्लस नॉन लिविंग का तो ये इससे रिलेटेड हमने बात की थी दोस्तों क्वांटिटी ऑफ रिटर्न ये कितना है मिक्सिंग कंडीशन कैसी होती है जो हमने आगे जाके एरेटर्स में बात की थी प्लग फ्लो टाइप का है या फिर टेपर्ड uh, है कैसा है यहाँ पर स्लज बल्किंग क्या होती है जो स्लज सेटल नहीं होती वो बल्क कर देती है वॉल्यूम जो है उसका सस्पेंडेड रहता है जो फिलामेंट्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं या तो ऐसे फिलामेंट जो सेटल नहीं हो रही है या ऐसा फिल, फिलामेंट जो वाटर को कैप्चर करके रख रहा है फ्लो कांस्टेंट की की जगा तरीके से एरेशन करवा रहे हैं एरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट लेंथ टेपर्ड एरेशन की अगर हम बात करें तो टेपर्ड एरेशन में आप क्या करते हैं शुरू में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है तो यहाँ ज्यादा प्रोवाइड करो यहां फिर और कम यहां और कम और कम इस तरीके से आप एफिशिएटली ऑक्सीजन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं यहां पर स्टेप एरिएशन के अंदर क्या करना है एफ्लुएंट को यहां ऐड कर दिया यहां ऐड कर दिया यहां ऐड कर दिया तो अलग इन्फ्लुएंट को सॉरी जो अंदर आ रहा है वो इन्फ्लुएंट इन्फ्लुएंट को अलग अलग स्टेप्स में आप ऐड कर रहे हैं स्टेपेरेशन हो गया कंप्लीटली मिक्स टाइप के अंदर सब कुछ जो है आप यहां पर इसके अंदर मिक्स कर दे रहे हैं तो ये आपके पास था अब इतनी सी चीज को रिवाइज करने में कितना टाइम लगा मुश्किल से पाँच सात मिनट सेम तरीके से आपको रिवाइज करना है जब भी आप पढ़ा करें ताकि डेली डेली इस तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो सब्जेक्ट ईजिल आपको याद रहना शुरू हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था हाइड्रोलिक टाइम जो आपका है ये कितना है एचआर टी के बारे में बात की मेन सेल रेजिडेंस टाइम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं आगे, अभी के टॉपिक पे बात करते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक तक पहुंच चुके कहानी कहां से शुरू हुई थी स्क्रीनिंग करो फिर ग्रेट चैम्बर फिर जो आपके ग्रीस या ऑयल रिमूव करना है वो है तो ठीक है अगर पहले ही आपने ऑयल ट्रैप्स लगा रखे थे जो सीवर है वहीं पर तो कोई दिक्कत नहीं है फिर ये नहीं करना फिर उसके बाद आप आ गए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में वहां पर सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑर्गेनिक पार्टिकल हट गए फिर उसके बाद उसको लेके आए आप में या जो बायोरिएक्टर्स है वहां पर और उसके अंदर वेस्ट को डिकम्पोज करवाया और उसके बाद आपने डाल दिया उसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जहां पर जाके स्लज सेटल हो रही है आप वहां की बात कर रहे हैं यहां पर तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर जो हमारा है यहाँ पर इसकी बात हो रही है और इसका काम क्या है इसका काम ये है कि टू प्रोड्यूस अ प्रोड्यूसफिशियंटली क्लियर एफ्लुएंट एफ्लुएंट मतलब जो बाहर अब वेस्ट जा रहा है किसी भी चीज के अंदर जो पानी आता है उसे बोलते हैं इनफ्लुएंट वो क्या कर रहा है इनफ्लुएंट है वेस्ट वाटर जब जब हमारे पास आया वो वो क्या था अब उसे ट्रीट ट्रीट कर दिया ट्रीट करने के बाद जब वो बाहर जा रहा है तब हम क्या कहते हैं एफ्लुएंट यहां पर आपने यही सुना होगा ना कि जब बचपन में ऐसे लिखते होंगे आप ऐसे के अंदर आया होगा कि पॉल्यूशन के बारे में लिखो तो पॉल्यूशन में आप लिखते थे रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज तो एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज का मतलब यही है कि जो भी इंडस्ट्रीज से जो बाहर आउटपुट आ रहा है वो क्या हो गया एफ्लुएंट हो गया जो भी वेस्ट का आउटपुट आ रहा है ट्रीट करने के बाद यहां पर हम इसको एफ्लुएंट बोल रहे हैं तो इसको क्लियर क्लियर करना मतलब यहां से जितना इसमें से ऑर्गेनिक पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उनको यहां पे निकाल दो इट मस्ट बी इट मस्ट बायोलॉजिकल दॉजिकल टू मिनिमाइज द क्वान्टिटी ऑफ स्लज दैट मस्ट बी हैंडल्ड अर्थात जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे आए वो इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए इतने ज्यादा सेटल हो जाए इतने अच्छे से हो जो वहां पर मिनिमाइज हो जाए कि उनका क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए जिससे उनको हैंडल करना आसान हो जाए

वो सेटलिंग रेट की बात कर रहे हैं लोडिंग रेट का मतलब यहां से है कि कितने सॉलिड जो हैं 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 वो आ रहे हैं। कितने आ रहे रहे कितने उसके अकॉर्डिंग लोडिंग रेट का मतलब यहां पर वो है कितना बीओडी आ रहा है पर यूनिट आपका रिएक्टर है या फिर कितना अमाउंट ऑफ सीवेज आ रहा है ओवरफ्लो रेट ओवरफ्लो रेट की बात जो हमने की थी पार्टिकल कैसे सेटल हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं देन कम्स सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर हमने ऑलरेडी बात की थी हिंडर्ड या फिर टैंक में ऊपर तो क्या हुआ जोन तो सेटलिंग हो, होती है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के विलोसिटीज जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं उनके जो विलोसिटी के पाथ है वो ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके कारण ये टकराए और उसके बाद वो एक साथ आगे सेटल हो रहे हैं नीचे क्या होती है नीचे होती है कंप्रेशन वाली सेटलिंग यहां पे ऑलरेडी पार्टिकल सेटल हो चुके थे अब ऊपर वाले पार्टिकल इनके कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट में, तो में तो नीचे अपर पोर्शन ऑफ द टैंक इन द लोअर पोर्शन ऑफ द टैंक वेयर द सॉलिड गेट डिपोजिटेड कंप्रेशन सेटलिंग अकर्स स्लज थर का मतलब क्या है यहां पर स्लज थिकनर क्या काम करता है वॉल्यूम जो है जो स्लज होता है उसका वॉल्यूम क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू बी हैंडल्ड इन स्लज डाइजेस्टर स्लज थिकनर इज प्रोवाइडेड स्लज थिकनिंग इज डन बाय ग्रेविटी सेंट्रिफिकेशन या कुछ आप उसमें ऐड कर दीजिए सीडिंग ऐड कर दीजिए कुछ भी एजेंट ऐड कर रहे हैं जिससे उसका क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए स्लज का वॉल्यूम स्लज बल्किंग क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके जो स्लज सेटल ना हो प्रॉपरली वो क्या करेगी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो उसे हम क्या बोल देते हैं स्लज का बल्क हो जाना स्लज की बल्किंग हो जाना सो स्लज स्लज बल्किंग विद पुअर सेटलिंग करेक्टरिस्टिक इज टर्म एज बल्किंग ऑफ स्लज इट रिजल्ट इन पुअर एफ्लुएंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा डीकम्पोज हो गया बहुत ज्यादा <coughs> पार्टिकल जो है उनका साइज बहुत छोटा अगर हो गया है तो वो क्या कर रहे हैं वहां पर प्रॉपरली सेटल नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सेसली अगर डीकम्पोज हो गया तो उसके कारण स्लज की बल्किंग हो जाएगी स्लज का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा किस कारण से हो सकता है ये हो सकता है अगर एयर सप्लाई प्रॉपर नहीं रहा हो लो पीएच एच विच रिजल्ट इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज या फिर एडिशन ऑफ न्यूट्रिय तो ये क्लियर चलो तो स्लज बल्किंग जो है स्लज बल्किंग किसके कारण होती है या तो वहां पर बहुत ज्यादा डीकम्पोजिशन हो गया या फिर ये कह लीजिए कि बैक्टीरिया जो है वो इतना ग्रो कर रहा है या बैक्टीरिया के जो फिलामेंट्स जो हमने बात की थी फिलामेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म हो गए वहां पर वो सेटल नहीं हो रहे हैं तो इनके कारण क्या हो जाती है स्लज बल्किंग हो जाती है यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्लज का डाइजेशन करना यहां पर स्लज की डाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद It is adopted for sludge of secondary sedimentation tank only. In aerobic digestion, endogenous respiration starts because of the availability of oxygen and scarcity of food. It requires external energy since oxygen is supplied externally. It has more operational cost and lesser capital cost as compared to anaerobic digestion. स्लज जो है उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं या ये कह लीजिए फर्दर उसको कितनी आसानी से हम हैंडल कर पाए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर तो इसमें या तो ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई करो और फिर उसके बाद उसका काम होगा यहां पर तो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा महंगा हो जाएगा तो डेली ऑपरेट करने में वो महंगा होगा एज कंपेयर्ड टू उसके सेटअप का कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट या उसको बनाने का जो कॉस्ट है उसके रिस्पेक्ट में यहां पर एन एरोबिक डाइजेशन की अगर हम बात करें एन एरोबिक डाइजेशन की बात करें तो ये प्राइमरी स्लज जो आती है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो आती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट प्रोड्यूस लेसर बायोमास क्योंकि बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एबसेंस वाला ही काम करेगा वहां पर के अंदर तो एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कन्वर्ट एज मच एज स्लज पॉसिबल टू लिक्विड एंड गैसेज सो दैट द एनर्जी बाय यूजिंग द लिक्विड एंड गैसेज कैन बी ऑबेन्ड एफिशियटली इन एन एरोबिक प्रोसेस देर आर टू स्टेजेस ऑफ डीकंपोजिशन एसिड फॉर्मेशन मिथेन फॉर्मेशन कहानी कहाँ से कहाँ पहुंची घर घर की बात शुरू की थी आपने ही बोला था घर घर की बात करते हैं वहां से शुरू हुई थी पहले इसको चलो ये छोटा सा और कंपैरिजन रह गया एनरोबिक डाइजेशन जो है वो क्या करता है इट रिकवर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मीथेन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा एनरोबिक रिएक्शंस होती हैं तो वहां पर मिथेन फॉर्म होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी आपको यहां पर तो उसके अंदर एनर्जी आपको मिल रही है जबकि एरोबिक वाले में आपको ऑक्सीजन देके आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एरोबिक डाइजेशन के अंदर मर जाते हैं ऑक्सीजन जो है उसकी एबसेंस में वो मर जाएंगे पैथोजेंस एरोबिक में नहीं मरेंगे एन एरोबिक है उसका ऑपरेशनल कॉस्ट उसको चलाना बाद में ऑपरेशन का कॉस्ट बहुत कम है और एरोबिक वाले का ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है लेकिन सेटअप कॉस्ट एरोबिक का कम है ओनली डीमेरिट ऑफ एन एरोबिक डाइजेशन इज दैट इट प्रोसेस पूरा बंद होना चाहिए चैम्बर ऑक्सीजन कैसे भी उसके अंदर जाए ना तो इस केस में यहां पर बस ये इतना सा इसका ड्रॉबैक है अब वापस आ जाते हैं शुरू से शुरू से कहानी कहां से शुरू हुई स्क्रीनिंग कराई ग्रिट चैंबर में इनऑर्गेनिक हटाए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में 60 टू 70 परसेंट हटा दिए पार्टिकल फिर उसके बाद हमने क्या किया उसको डाला हमने चाहे आप बात कर लीजिए कि ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर हम उसको डाल रहे हैं या फिर आपने बात की बायो रिएक्टर्स जो हो गए एरेटर्स जो हो गए उनमें डाल दिया फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाला सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में स्लज जो है वो सेटल हो गई क्योंकि रिएक्टर्स में वो ऑलरेडी बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर चुका अब वो जो स्लज सेटल हो गई उस स्लज का क्या करना है उस स्लज को आप लिक्विड या गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं

ओपन फ्लो थ्रू अर्दन बेसिन अर्दन बेसिन है कोई हमने यहां पर इसमें कोई खास कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा मिट्टी से बने हुए हैं इसके अंदर हमने वेस्ट को यहाँ पर डाल रखा है वेस्ट गेट स्टेबिलाईज बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस आपने वॉटर को उस पॉन्ड में डाल के छोड़ दिया अब क्या हुआ यहाँ पर नेचुरली अपने आप जो है बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा इन द ऑक्सीडेशन पॉन्ड अटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट In in which algae in the presence of sunlight produce oxygen, and this oxygen is utilized by bacteria for oxidizing the organic matter. Simple सी बात है yahan से ऑक्सीजन आएगी जो ऑक्सीजन की बात कर लीजिए सनलाइट सनलाइट जो है वो आएगी सनलाइट आएगी तो अंदर जो algae present है वो फोटोसिंथेसिस करेगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी और वो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर देगी यहाँ पे वेस्ट को डीकम्पोज करेगी यहाँ पर एंड products जो मिलेंगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और water मिलते हैं ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज इन द टॉप लेयर सेटल्स डाउन एंड वर्क एज अ कैटलिस्ट टू फैसिलिटेट द डीकम्पोजिशन इन एन एरोबिक लेयर जो बैक्टीरिया यहाँ पे बना और इसने डीम्पोज किया उस वेस्ट को वो वेस्ट आएगा नीचे अपने साथ बैक्टीरिया लेके और इन लेयर्स में भी डीकम्पोजिशन यहाँ पर कराएगा द एन एरोबिक लेअर इन टर्न प्रोड्यूसिस न्यूट्रियट्स फॉर द सर्वाइवर ऑफ बैक्टीरिया इन अदर लेयर यहाँ वाले जो एन एरोबिक लेयर है ये न्यूट्रियट देगी बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एरोबिक लेयर एट द टॉप प्रिवेंट फाउल गैसेस टू कम आउट अब यहां से जो भी बुरी स्मेल बनेगी इनके कारण वो यहां पर एरोबिक वाली लेयर के कारण ऊपर बाहर जो है वो नहीं जाएगी कितनी सी बात है समझ में आ गया सबको आपके कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे चलो आगे बढ़ते हैं अब डिजाइन पैरामीटर ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन की जो डेप्थ होती है एक से डेढ़ मीटर हम कंसिडर करते हैं और जैसा कि हमने शुरू में भी बात की यहां पर कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है इनके अंदर ऊपर ही ऊपर कैसी लेयर एरोबिक जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया वेस्ट को लेरोम्पोज करेगा यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एबसेंस यानी कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होगा नीचे एन होगा और इसके अंदर डिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा होता है डिटेंशन टाइम ज्यादा होने का मतलब काफी लंबे समय तक यहां पर इसके अंदर वेस्ट वाटर जो है वो प्रेजेंट रहेगा डिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा है तो डिटेंशन टाइम फिफ्टीन टू थर्टी डेज होता है कितना बीओडी रिमूवल होता है कितना सीवेज यहां से आप रिमूव कर सकते हो वेस्ट को रिमूव कर सकते हो उसमें से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है 80 टू 90 परसेंट तक आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं स्लज एक्यूमुलेशन कितना होता है स्लज जो इकट्ठी होगी स्लज जो एक्यूमलेट हो जाएगी दो से लेके पाँच सेंटीमीटर हर साल इतनी ही एक्यूमलेट होती है टू टू फाइव सेंटीमीटर पर ईयर एक्यूमलेट होती है मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर टू बी कैप्ट इन पॉन्ड पॉइंट थ्री मीटर कम से कम पानी उसके अंदर हम रखते हैं लेंथ और विड्थ का रेशियो टू पॉइंट फाइव से थ्री तक होता है एंड लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन सेवन फिफ्टी मीटर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट या कितना बीओडी आता है 150 से 325 किलोग्राम बीओडी पर हेक्टेयर पर डे। एफ्लुएंट ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज नॉट डिस्चार्ज इन कंटेन एलगी एलगी अगर प्रेजेंट होगी रिवर में जाएगी फिर फर्दर वो वहां पे ग्रो करेगी ग्रो करेगी अगर तो वो बाद में रिवर के अंदर सनलाइट जो है उसको ब्लॉक कर देगी उसको ब्लॉक कर देगी तो नीचे जो भी प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स उनका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी मार्शी जो रीजन्स हैं वो भी फॉर्म हो सकते हैं लेक्स में ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां फ्लोइंग वाटर नहीं होता है तो इसलिए उसको ऐड नहीं करते हैं द एफ्लुएंट ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज मेजरली यूज फॉर इरीगेशन इरीगेशन परपज में हम उसको यूज कर लेते हैं बॉटम में एन क्यों क्योंकि यहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं यहाँ तक वेस्ट जो है वेस्ट नीचे सेटल होता जा रहा है ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक जा नहीं पाएगी नीचे तक ऑक्सीजन क्यों नहीं होगी क्योंकि जो भी एलगी है एक्वेटिक प्लांट्स है कुछ भी है जो ऑक्सीजन दे रहे थे तो उन तक यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी ये क्लियर वाटर तो है नहीं तो सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाएगी सनलाइट नीचे नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो यहां पर एन एरोबिक एनअरबिकंडीशन डेवलप हो जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एरोबिक डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी तो ऊपर एक तो यह है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में भी रहता है यहां से भी ऑक्सीजन मिल सकती है और एक यहां से सनलाइट जो है ऊपर की लेयर्स में वो सनलाइट भी तो मिलती रहती है जिसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो यहां पर देते रहेंगे अब एक क्वेश्चन करते हैं पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पाउल गैसेज इससे जनरेट होती हैं पर वही है कि ऊपर जो पानी की लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर जैसे मिलता तो है लेकिन कम क्वांटिटी होती है कितना नहीं मिल पाता ऑक्सीजन मिलता तो है लेकिन इतना नहीं मिल पाता फैकल्टेटिव का मीनिंग वो होता है जो हम सुबह की क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो मिस हो जाता है सुबह भी कौन सी कल वाली फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एबसेंस में काम कर सकता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड से क्या कर रहे हैं वेस्ट को अलग कर रहे हैं उसमें से ट्रीट कर रहे हैं एक तरीके से कह लीजिए नेचुरल तरीके से उसको पॉंड में डाल के पानी छोड़ दिया आपने. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में आपको दिया गया कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड डिटर्मिन द डिटेंशन टाइम फॉर ट्रीटिंग सीवेज फॉर एज रेजिडेंशियल कॉलोनी विद द पॉपुलेशन ऑफ एट थाउजेंड परसन एज्यूम दैट सीज इज प्रोड्यूज एट द रेट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव लीटर्स पर कैपिटा पर डे एंड बी ओ डी फाइव ऑफ सीवेज इज थ्री ट्वेंटी फाइव के जी पर डे बी ओ डी फाइव दे रखा है सीवेज का कितना सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है ये दे रखा है थ्री ट्वेंटी फाइव के जी पर डे जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है अब इसमें गिवन डेटा है सबसे पहले वो लिखना है आपको पहले आप गिवन डेटा अपने आप लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे जस्ट अ मिनट आप अपने सारे दोस्तों को अलर्ट कर दीजिए एक सेकेंड सबको एक बार ग्रुप पे शेयर कर दीजिए क्लास में आने के लिए बोल दीजिए साउंड दोस्त अपने फोन का बढ़ा लो आप यहां से साउंड मैक्सिमम ही है एक बार जल्दी से ग्रुप पे आप प्लीज मैसेज कर दीजिए सब लोग ज्वाइन करने Just a minute just just 1 second चलिए तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए यहाँ पर अपने दोस्त जो है आपके बाकी उनको भी आप क्लास जो है वो शेयर कर दीजिएगा कि एस एस जेई का जो आपका ट्वेंटी है उसका रिजल्ट आ चुका है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020 ट्वेंटी डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर वन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू बी अपीयरिंग इन पेपर टू तो पेपर वन की यहां पर बात हो रही है चलिए तो दोस्तों बात करते हैं जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना एक दो मिनट वेट कर लेते हैं चलिए दोस्तों तो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं देखिए बाकी इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल्ड और अलग अपन वीडियो भी बना लेंगे आगे क्या करना है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है लेकिन अभी ये जस्ट रिसेंट आया और अपनी क्लास जो है वो चल रही है तो इसके बारे में बस एक जानकारी जो है छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं और बाद में आपको एक डिटेल्ड वीडियो बाय टुडे इवनिंग या बाय टुडे नाइट जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगी उसमें हम बात करेंगे कैसे आगे क्या करना है तो जूनियर इंजीनियर जो आपका एस एस जेई का जो आपका एग्जाम हुआ था 2020 का पेपर वन जो कि हुआ था आपका मार्च के अंदर 22 से 24 मार्च के बीच में जो आपका एग्जाम हुआ था 22 से लेके 24 तक उसका रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर हुआ है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट स्टेज का एग्जाम अगर आज रिजल्ट आया है नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो आपको मान के चलना चाहिए पंद्रह बीस दिन ठीक है बीस दिन आप मान के चलो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिए कम से कम टाइम मान के आप शुरू करो कम से कम मिनिमम से मिनिमम टाइम जो है वो मान के आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए अभी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टू अपना आज खत्म हो गया वैसे तो खत्म हो जाएगा आज नहीं मतलब बाय फ्राइडे खत्म हो ही जाएगा उसके बाद जो है जो भी सब्जेक्ट हम उठाएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में हम करते जाएंगे कर, जितने सब्जेक्ट अब तक हुए हैं उनके मेंस के क्वेश्चन हमने किए ही है स्पेशल क्लासेस में मेंस के क्वेश्चन हम ज्यादा कर लेंगे स्टील जैसे अभी हम कर रहे हैं तो मेन्स के इसमें खूब क्वेश्चन किए हमने यहाँ पर हां जी सिलेक्ट हो चुके हैं आप बहुत बहुत बधाई हो आपको चलिए बात करते हैं दोस्तों यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम देखें यहां पर तो सिविल इंजीनियरिंग के टोटल थर्टी एट ट्वेंटी सिक्स कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए मैंने सिविल का निकाला है सिर्फ यहां पर बाकी इलेक्ट्रिकल वगैरह इनका हमने नहीं देखा है चलिए तो बात करते हैं यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज एस सी यहां पर जो आपकी कट ऑफ गई है वो नाइनटी नाइन एस टी की भी नाइनटी नाइन अगर हम बात करें बैकवर्ड क्लासेस की तो इनके लिए वन वन फोर ई डब्ल्यू एस सेक्शन तो ये आपके पास वन जीरो एट जो है वन ट्वेंटी ओ एच या एच एच सेवेंटी नाइन और फोर्टी एट आपके पास यहां पर तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतना ज्यादा कोई ऐसे जो इमेजिन किया जा रहा था आपकी बार तो पता नहीं कैसा पेपर आएगा कट ऑफ पता नहीं कैसे जाएगी तो इतनी ज्यादा तो नहीं गई है यूजुअल जितनी जाती है उसी के अराउंड जो है कट ऑफ आपको देखने को मिली है 110 सौ बीस जो 30 के बीच बीच में जो चलती है तो पिछली बार से तो कम ही है अभी पिछली बार से तो कम ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तो 120 जो है वो गई है तो ठीक है और अब याद रखने वाली बात ये है कि अब डिफरेंस क्रिएट होगा मेंस जो है वो आपकी रैंकिंग जो है वो इम्पैक्ट कराएगा ऑब्जेक्टिव में तो एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है यहाँ पर तो साठ साठ नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसीलिए इस पर आप अच्छे से ध्यान देना अटेम्प्ट करना अच्छे से लास्ट ईयर जो है पेपर टू इतना मुश्किल नहीं आया था बिल्कुल बेसिक आया था अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं अगर आपने नोट्स बना रखे हैं रिवाइज कर लेते हैं ठीक ठाक तो कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी मेंस अटेम्प्ट करने में, ज़िएगा। में, ज़िएगा। में, ज़िएगा। में ज़िएगा। बस अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है क्वेश्चन नहीं छोड़ना है टाइमली चीजें कंप्लीट करनी है टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर ठीक है तो जितने भी दोस्त सिर्फ ये जानकारी के लिए आए थे थोड़ा और इसके ऊपर अपन एनालिसिस करेंगे अच्छे से तो बाय टुडे इवनिंग या टुमारो मॉर्निंग तो आपको पक्का डेफिनेटली मिलेगा ही क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब कि हम वेट करें कब करेंगे कैसा क्या तैयारी करनी है कैसे करनी है इतने टाइम के अंदर तो आपको इसके रिगार्डिंग जो है पूरी अपने एक जो एनालिसिस वाली वीडियो या फिर ये कह लीजिए कि फर्दर फ्यू अभी आगे क्या करना है उसके रिगार्डिंग जो है अपन शुरू कर लेंगे यहाँ पर तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहां पर आपको मिलने वाले हैं थ्री एट टू सिक्स जो कैंडिडेट्स हैं ये अभी तक सेलेक्ट हुए हैं पेपर वन से पेपर टू के लिए और फाइनल आंसर की जो है वो भी अपलोड कर दी जाएंगी बहुत जल्दी ही यहां पर कितना ड्यूरेशन इन्होंने लिखा है उसके लिए आंसर की के रिगार्डिंग द फाइनल आंसर कीज विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑन कमीशन सेवन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सात तारीख को आंसर कीज जो है वो अपलोड हो जाएंगी एक महीने के लिए वो आपके पास वहां पर रहेंगी तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं महीने से ज्यादा का समय मत मान के चलो कोविड की थर्ड वेव वगैरह सारे फैक्टर ठीक हैं लेकिन वी शुड बी रेडी फॉर द बर्स्ट अगर एग्जाम हो जाता है तो क्या करना है चलो ठीक है अब वापस आते हैं पढ़ाई के ऊपर मैं दोबारा उसको एक बार कनेक्ट करता हूं जस्ट गिव मी जस्ट टेन सेकेंड चलिए तो बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम कैलकुलेट द ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है वो हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन पॉन्ड के डायमेंशन आपको बताने हैं एंड द डिटेंशन टाइम सीवेज फ्रॉम अ रेजिडेंशियल कॉलोनी किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए आपको सीवेज को ट्रीट करना है और डिटेंशन टाइम जो है इसके लिए वो आपको बताना है डायमेंशन कैलकुलेट करके बतानी है तो पॉपुलेशन आपको एट थाउजेंड दे रखी है और कितना सीवेज जो है वो बना रहे हैं 125 पर जो है इतना सीवेज हम कंसीडर कर रहे हैं बीओडी फाइव की बात करें तो वो आपको यहां पर 325 मिलीग्राम पर लीटर और डे के केजी पर डे में बात करें तो 325 केजी पर डे इतना जो है यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिक अब आपको चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। एज्यूम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट वो हमने एज्यूम कर लिया 300 किलोग्राम बीओडी

थ्री ट्वेंटी फाइव के जी पर डे तीन सौ पच्चीस के जी पर डे इतना वेस्ट आ हमने लोडिंग की रेट मानी तीन सौ के जी जो है बी ओडी देंगे हम हर हेक्टेयर को एक दिन में तो आपके पास एरिया कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कितना बी ओडी आया अपॉन रेट क्या है आपका यहाँ पर तो वो आपने पुट किया तो आपके पास आया वन पॉइंट जीरो एट हेक्टेयर या फिर वन पॉइंट जीरो एट इंटू टेन रेज टू दावर फोर हेक्टेयर इतना सरफेस एरिया आपको जरूरी होगा उस ऑक्सीडेशन का अब लेंथ और वेथ का रेशो कुछ मानते हैं लेंथ और का हमने यहां पर थ्री मान लिया लेंथ और वेथ का रेशो हमने यहां पर थ्री मान लिया थ्री मान मानने के बाद हमने कहा कि लेंथ रेज टू द पावर फोर मीटर स्क्वायर तो लेंथ इंटू वेथ का आपको यहां पर रिलेशन जो है वो हमने यहां पर पुट किया पुट करने पर लेंथ की वैल्यू आई वेथ की वैल्यू आई और ये वैल्यू जो हमारी है ग्रेटर देन सेवन फिफ्टी मीटर नहीं है जो कि हमें डिजाइन में हम बात करते हैं कि इसके डायमेंशन ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन सेवन फिफ्टी नहीं होने चाहिए विथ सिक्सटी मीटर आपके पास आ गई यहां पर अब इसमें क्या करेंगे आप लिख लीजिए साथ साथ में आप लिखिए एक बार इसको न्यूमेरिकल्स क्लास में कर तो रहे हम चलो आगे बढ़ते हैं देखिए कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड ऑक्सीडेशन पॉन्ड के डायमेंशन आपको बताने थे आपने जो है लेंथ बिथ ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी और डेप्थ की अगर हम बात करें तो 1.5 आपने यहाँ पर मान ली ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो है 300 किलोग्राम बीओडी पर हेक्टेयर पर डे हमने यहाँ पर माना डायमेंशन आपके पास आ गए डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना था तो टाइम जो है क्या होता है अगर आप डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज आप कहेंगे कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यही तो डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वो आपने इसके अंदर पुट किया अगर वॉल्यूम की बात करें तो वन एटी इंटू सिक्सटी इंटू वन पॉइंट फाइव अपॉन यहां पर डी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्यू पुट करना है अब क्यू कितना आएगा एट थाउजेंड पॉपुलेशन कितनी है एट पॉपुलेशन एट है हर आदमी जो है वो 125 लीटर सीवेज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है

आपका तो कितना एरिया आपको चाहिए होगा जिस एरिया के अंदर सीवेज ट्रीट होगा ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं आप मेरे को मतलब ये बताओ आप लैंग्वेज आप में प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम से हैं तो आप बताएं प्रॉब्लम जो हो वो आप ऐसे ही बताओ ना थोड़ा वैलिड सी हो सरफेस एरिया का मतलब जो जितने एरिया हमें एरिया सरफेस एरिया मतलब पता नहीं क्या होता है चलो डिटेंशन टाइम जो है वो पंद्रह से तीस दिन के बीच में होना चाहिए हमारा आंसर आया सिक्सटीन पॉइंट टू तो करेक्ट है चलो नेक्स्ट उसके बाद बात करें डिटेंशन टाइम आ गया फाइनल डायमेंशन आपके पास एट्टी वन एटी सिक्सटी और 1.5 था ये वाटर की टर्म्स में हम बात कर रहे थे क्योंकि डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना था तो डिटेंशन टाइम जो है उसमें आपने यूज किया कि डिस्चार्ज का भी यूज कर रहे हैं वहां पर वॉल्यूम और डिस्चार्ज तो वो तो वाटर की टर्म्स में बात हो रही थी अब हम बात कर रहे हैं पूरे पॉन्ड की तो उसमें आप फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड कर दीजिए तो फाइनल डायमेंशन आपके पास ये आ गए एक बार फिर से बता देते हैं शुरू में हमने क्या किया स्टार्टिंग से पॉपुलेशन थी 8125 लीटर पर कैपिटा पर डे सीवेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अब सरफेस आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक लोडिंग रेट माना कि 300 किलोग्राम बीओडी एक हेक्टेयर में एक दिन में प्रोवाइड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कितने एरिया की जरूरत होगी कितना एरिया आपको चाहिए होगा तो 325 ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री आपने यहां पर कर दिया आपके पास आया 1.08 हेक्टेयर फिर लेंथ इनटू टू ये एरिया होता है आजकल

तो डिस्चार्ज आपने यहां पर डे कितना आ रहा है? पर है तो यहां से अपने आप आंसर जो हमारा है वो किस में आएगा डेज में ही आएगा तो 16.2 डेज आ गया जो कि 15 से 30 दिन के बीच में है तो बात सही है फिर उसके बाद डिटेंशन टाइम जो है वो इतना आया डायमेंशन हमारे पास ये है फ्री बोर्ड बस ऐड कर दिया इसमें अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेप्टिक टैंक की अगर हम बात करें तो सेप्टिक टैंक अब एन कंडीशंस की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट जो है वो नहीं है सेप्टिक टैंक जो हम हमारे बिल्डिंग्स के अंदर घर में जो यूज होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं इट इज इज एज एन ऑर्डिनरी सेटलिंग टैंक एक्सेप्ट दैट डिटेंशन टाइम टू आवर्स विद एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर डाइजेशन ऑफ स्लज बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया सेप्टिक टैंक कभी आपने देखा है डेली देख रहे हैं एक बार घर बनता है बस तब आपने देखा होगा बनते हुए उसके अलावा आपने कभी नहीं देखा तो टोटली totally क्लोज होता है वो और एन एरोबिक कंडीशन ऑक्सीजन वहां पर नहीं प्रेजेंट होती है तो जो भी पानी वहां पर रुकता है वो पानी कितनी देर के लिए 12 टू 36 सिक्स के लिए डिटेंशन टाइम जो है वहां पर होता है और एन एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो वहां पर वेस्ट को डीकम्पोज करता है तो रॉ सीवेज जो भी होता है डायरेक्टली रॉ सीवेज इज एंटर्ड इन द सेप्टिक टैंक एंड द स्लज सेटल्स एट द बॉटम जो भी स्लज होती है पार्टिकल्स वो वहां पर सेटल हो जाएंगे और अब टैंक के अंदर आप ये चीज बस ध्यान देना से पूरे डिजाइन में इसके डिजाइन में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है डेली कितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा पानी जो आएगा उसमें क्या होता जाएगा उससे स्लज इकट्ठी होती जाएगी यहां पर स्लज भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी क्यों वाटर है वो तो आगे चला जाएगा पार्टिकल पार्टिकल ही सेटल हो रहे हैं यहां पर और एन एनआरबिक कंडीशन में उनका डीकोजिशन हो रहा है वो सेटल हो रहे हैं यहां पर अब आप ये चीज देखो कि जब स्लज यहाँ पर भरती जा रही है और हम ये मान के चलते हैं कि एक साल बाद स्लज हटाई जाएगी यहां से इसको क्लीन कब किया जाएगा वन ईयर के बाद तो जब वन ईयर एंड होने वाला है मान लीजिए एक जनवरी को आपने ये जो आपका सेप्टिक टैंक है वो शुरू कर दिया यूज करना तो उसमें स्लज एक्यूमलेट होना शुरू हो गई एक जनवरी को स्लज जो है वो इसमें जमा होनी शुरू हुई भरता गया भरता गया वाटर भी है इसमें ऊपर ऊपर पानी भी है लेकिन ये जो स्लज है ये भरती जा रही है धीरे 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 तो हम क्या कहेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए इस टैंक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए इस टैंक का वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि जब एक जनवरी को हमने इसको यूज करना शुरू किया और जब हम पहुंच गए 31 दिसंबर तक तो 31 दिसंबर तक जितनी भी स्लज बन जाती उस स्लज का वॉल्यूम प्लस पर डे जितना पानी इसके अंदर आ रहा था पर डे जितना पानी इसमें आ रहा था इसके बराबर इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए इसका वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए दोबारा से समझ लीजिए हमने फर्स्ट जनवरी को इस सेप्टिक टैंक को यूज करना शुरू किया स्लज इकट्ठा होनी शुरू हुई हम कह रहे हैं कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए या इसकी कैपेसिटी कितनी हो इसकी कैपेसिटी इतनी हो कि 31 दिसंबर तक जितनी स्लज इसमें भर जाए वो और 31 दिसंबर के दिन जितना पानी आएगा यू पर डे जो हमारा पानी आ रहा है वो भी इसमें एक्यूमुलेट हो जाए इतना हम मान के चलेंगे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं

पानी पीते हैं कितना ही मतलब वेस्ट वाटर कितना ही जाता होगा लेकिन एक्चुअल में यूज़ हो जाता है हमें पता नहीं लगता कि आप जब नहा के आ रहे हैं कितना पानी आपने यूज़ कर लिया वॉश बेसिन में कितना जा रहा है टॉयलेट में फ्लश में कितना जा रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा वाटर जो है हम लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम पे जो कि हमें रियलाइजेशन नहीं है जिसका तो ऑप्टिमम यूज़ जो है वो वाटर का करना चाहिए फ्लो ऑफ सीवेज जो है वो 50 टू 70 लीटर पर कैपिटा पर डे मानते हैं स्लज कितनी कितनीट हो रही है ये डेटा एज इट इज क्वेश्चंस के साथ साथ आपको याद करते ही जाना है आप मानेंगे कि एक दिन एक पर्सन तीस लीटर पर कैपिटा पर ईयर कितनी स्लज एक्यूमलेट हो रही है थर्टी लीटर एक पर्सन के कारण एक साल में इतनी स्लज स्लज मतलब जो कंसंट्रेटेड बिल्कुल जो वेस्ट के पार्टिकल हैं वो तो रेट ऑफ अक्यूमलेन ऑफ स्लज कितना है थर्टी लीटर पर कैपिटा पर डे पर ईयर सॉरी डिटेंशन टाइम की बात करेंगे तो डिटेंशन टाइम वो पानी कितने टाइम तक वहां पर उसके अंदर रहता है या जो पार्टिकल कोई आएगा वो कितने टाइम के अंदर वहां सेटल हो जाएगा 12 टू 36 सिक्स आवर्स के अंदर वो सेटल हो जाएगा हम इसको सिंपल सिंपल डेटा याद रखेंगे डेटा याद रखना है 50 से 70 लीटर हालांकि ये क्वेश्चन में दे देता है एक एक चीज ये याद रखनी है कि तीस लीटर स्लज पॉंग होगी डिटेंशन टाइम की बात करें तो चौबीस घंटे ले लो वन डे ले लो खत्म आसान वन डे माने

ये तो एक दिन में आएगा और यानी कि अगर हमने ट्वेंटी फोर आवर या एक दिन डिटेंशन टाइम माना तो यही हो गया ना एक दिन में कितना पानी उसके अंदर आ रहा है और स्लज कितनाट हो रहा है इन टू अर्थात स्लज जो है ये पूरा यहां पर इसका मतलब हो गया स्लज एक्यूमेशन रेट किस रेट से स्लज बन रहा है 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर से बन रहा है तो टोटल पूरे साल में जो आपकी कितनी स्लज एक्यूमलेट हो जाएगी मतलब 31 दिसंबर वाली बात जो मैं आपको यहां पर बता रहा था कि 31 दिसंबर तक टोटल कितनी स्लज आ जाएगी प्लस उस एक दिन में उस 24 फोर आवर्स में कितना पानी आएगा तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम जो है यहां पर आ जाता है क्यू इंटू स्लज टी रेट इंटू क्लीनिंग इंटरवल जो हम वन ईयर मान रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन क्यों नहीं कंसिडर करेंगे करेंगे वो पहले ही क्वान्टिटी में कर लेंगे फिफ्टी टू सेवेंटी लीटर पर पर्सन है जितने लोग हैं उनके हिसाब से कर देंगे चलो आगे बढ़ते हैं बस खत्म हो गया खत्म हो गया क्वेश्चन कर लीजिए बस टॉपिक एंडेड डिजाइन सेप्टिक टैंक फॉर टू हंड्रेड परसेंट दो सौ लोगों के लिए सेप्टिक टैंक जो है वो डिजाइन डिजाइन करना है सेप्टिक टैंक फॉर टू हंड्रेड विद वॉटर सप्लाई ऑफ वन ट्वेंटी फाइव लीटर वन ट्वेंटी फाइव लीटर पर कैपिटा पर डे एज्यूम अदर डेटा एज रिक्वायर्ड आपको खुद क्वेश्चन करना है ये सबसे पहले गिवन डेटा लिखे 200 लोग हैं हर कोई 125 लीटर पानी जो है उसको दिया जा रहा है देखो क्वेश्चन में ध्यान दो आप यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है सर कक्षा के बाद कॉल करता हूं आपको मैं रिजल्ट आ गया हाँ क्वांटिटी ऑफ सीवेज वाटर कितना आएगा आपके पास इस चीज पर ध्यान देना आपकी वॉटर सप्लाई पूछा है उसने या फिर उसने ये चीज बोली उसने बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर वॉटर सप्लाई उसने बोला है या उसने क्वांटिटी ऑफ सीवेज जैसे पिछले डिजाइन के अंदर अगर हम बात कर रहे थे तो पिछले डिजाइन में आपको इसने क्या बोला था अज्यूम दैट सीवेज प्रोड्यूसड तो उसने सीवेज कितना प्रोड्यूस हुआ उस क्वेश्चन में यह दे रखा था और अब इस क्वेश्चन में जब हम सेप्टिक टैंक डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पे उसने बोल दिया वाटर सप्लाई तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है जब वाटर सप्लाई दिया है या सीवेज की क्वांटिटी दी है वाटर सप्लाई 80 जो है वो आप कंसिडर करेंगे ऑफ द वाटर सप्लाइड टर्म सीवेज तो उसका एट्टी आप ले लीजिए यहां पर टू हंड्रेड इंटू वन टी इसका तो ट्वेंटी मीटर क्यूब पर डे इंटू आपके पास आ जाएगा

पर यूनिट टाइम में कितना टाइम है q into dt की बात कर रहे हैं आप तो q आपके पास कितना है 20 टाइम कितना 1 डे तो 1 डे के अंदर आपको 20 मीटर क्यूब पानी तो ये मिल जाएगा स्लज एक्युमुलेशन रेट क्या है स्लज एक्युमुलेशन की अगर हम बात करें यहां पर तो स्लज एक्युमुलेशन रेट की मैं बात करूं तो वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा 30 लीटर पर कैपिटा पर डे आपको कितना अज्यूम करना पड़ेगा 30 लीटर पर कैपिटा पर डे तो थर्टी लीटर पर कैपिटा पर डे आपने ज्यूम किया तो यहां से आप कैलकुलेट करिए कि टोटल कितना क्वांटिटी आता है कितने लोग हैं टू हंड्रेड दो सौ लोग हर किसी को थर्टी लीटर जो है वो स्लज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना हो गया टोटल सिक्स थाउजेंड हो गया और सिक्स थाउजेंड लीटर स्लज प्रोड्यूस हुई तो थाउजेंड लीटर कब हुई स्लज पर ईयर क्योंकि हमने ये माना इतने लीटर पर कैपिटा पर ईयर तो सिक्स थाउजेंड लीटर का मतलब हो गया सिक्स मीटर क्यूब पर ईयर स्लज कितनी अक्यूमिलेट हुई सिक्स मीटर क्यूब पर ईयर थर्टी लीटर एक पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में तो इतने लोग हैं तो सिक्स मीटर क्यूब लज बन जाएगी तो अब आपके पास ट्वेंटी सिक्स मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम एक मीटर क्यूब से ज्यादा उसका होना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेंथ और विथ का रेशियो हमने माना थ्री एच आपके पास वन पॉइंट फाइव देर फोर लेंथ विथ हाइट ये सब किसके बराबर होने चाहिए ट्वेंटी सिक्स के बराबर वॉल्यूम किसके बराबर आना चाहिए ट्वेंटी सिक्स के बराबर आना चाहिए तो यहां से लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी थर्टी लीटर पर कैपिटा पर डे लिखा है हाँ वही तो यूज कर रहे हैं उसी को यूज कर रहे हैं एड कर दीजिए वन पॉइंट एट फ्री बोर्ड एड करने पर हाइट आ जाएगी आपको आंसर लिखना है लिख लीजिए देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन फिर भी आपकी इतनी हिम्मत है कि आप अभी तक कंटिन्यूअसली बने हुए इतनी इतनी देर है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अच्छी बात है बस यही करने इतने ही क्वेश्चन करने हैं इन्हीं को रिपीट करना है बार बार इनको कुछ रिपीट कर करके करना है और वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है अभी के लिए अगर नोट्स नहीं बने हैं देखो दोस्त अगर आप तीन चार दोस्त हैं एक साथ आस पास में रहते हैं कुछ ऐसा है या पैसों की कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई सीन है तो आप अगर आज के समय अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपके पास कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते तो हिम्मत होनी चाहिए बस उससे अलावा उसके अलावा कुछ होना चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए लेकिन काम आसान करने के लिए थोड़ा एफिशियंटली वर्क करने के लिए अगर आपके पास रिसोर्स है आपके घर पे फॉर्च्यूनर खड़ी है लेकिन आप कहेंगे नहीं जी मैं तो कॉलेज जाऊँगा पैदल क्यों मैं तो आत्मनिर्भर बनूंगा मैं तो खुद के दम पे सब कुछ करूँगा तो सबके सब कुछ करना चाहिए खुद के दम पे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए अपने पैरों पे भी खड़ा होना है लेकिन अगर रिसोर्सेज हैं और उनका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो आज के टाइम में आप बेवकूफ हैं ठीक है तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए उनके ऊपर डिपेंडेंट मत हो अपने आप को इस काबिल मत इस, इस तरीके से ऐसा मत कर दो कि हाँ उनके बिना काम ही नहीं चल रहा है लेकिन हाँ अगर किसी चीज का यूज कर सकते हैं आप जिससे कि आपका काम जो है उसमें हेल्प मिले तो वो डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपके पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास एक अच्छी डिवाइस होनी चाहिए जिसमें आप देख सकें क्लासेस को चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो टैब हो फोन है तो चलो ठीक है लेकिन फोन में फिर भैया आईज जो है आपकी स्ट्रेन हो जाएंगी तो इसीलिए थोड़ी बड़ी स्क्रीन हो अच्छे से आप देख पाए अगर अफोर्ड कर सकते हैं एक प्रिंटर ले लीजिए आप ठीक है एक, प्रिंटर जो है ले लीजिए अच्छा सा जिससे कि ऑनलाइन जब भी पढ़ते हैं कोई पीडीएफ है कुछ भी है कई बार हार्ड फॉर्म में जो हमारे पास होता है पेपर फॉर्म में वो हमें अच्छे से याद रहती है वो चीजें तो जैसे पीडीएफ है पूरी डाउनलोड कर ली उसी के ऊपर जो है कुछ लिखना है रिवाइज करना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने हैं कोई करेक्शन करना है उसी के ऊपर कर लिया टाइम बच जाता है बस आपका जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है मैंने आपको फ्लूड मैकेनिक्स में कहीं नहीं बोला कि पीडीएफ से पढ़ लेना या सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना पीडीएफ से रिवाइज कर लेना लेकिन सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना नहीं क्योंकि न्यूमेरिक पोर्शन बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में न्यूमेरिक क्या है डिजाइन है तो डिजाइन के क्वेश्चन के लिए तो एक नोटबुक रख लो अलग से उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करते जाओ बाद में मेन्स के क्वेश्चन करेंगे वो करते जाओ तो वो सारे

मतलब आजकल बहुत सारी एडवांस चीजें आ गई हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है लेकिन हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी चीज़ें होनी होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत होनी चाहिए मेहनत के अलावा अगर एक नोटबुक और पेन आपके पास है और फोन है मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ तो बहुत है मोर देन सफिशेंट उससे भी आप एकदम टॉप कर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आज की टेक्निक्स का इस्तेमाल करें हमारे काम को आसान करने के लिए एफर्ट्स बचाने के लिए फालतू की मेहनत बचाने के लिए तो आप यूज कर सकते हैं फालतू की मेहनत का मतलब यह है कि जस्ट ऐसे मतलब ब्लाइंडली बिना दिमाग लगाए नोट्स कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर रहे हैं तो वो फालतू की मेहनत है हां समझ के रिवाइज करके कर रहे हैं आप जब उसको लिख रहे हैं तो आपका रिविजन हो रहा है तो वो मेहनत है वाकई में ठीक है तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे वॉट आई वॉन्ट टू से नेक्स्ट आता है इमहॉफ टैंक नेक्स्ट आता है इमहॉफ टैंक इमहॉफ टैंक क्या है सेप्टिक टैंक का इंप्रूवमेंट सेप्टिक टैंक में क्या होता है जब पानी जा रहा होता है तो बार बार वो स्लज जो है उसको डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम क्या कर देते हैं उसमें एक एडवांसमेंट एडवांसमेंट इनफो टैंक में क्या है कि नीचे अलग से एक चैम्बर बना दिया तो जो भी स्लज होगी वो आके इसमें सेटल हो जाएगी जो भी सीवेज वाटर आएगा पार्टिकल सेटल होते जाएंगे और वो आराम से यहां पर चला जाएगा तो इस पानी के साथ जाने वाले पानी के साथ वापस से स्लज मिक्स नहीं होगी ये इसका बेनिफिट है इमहॉफ टैंक का तो इमहॉफ टैंक में क्या होता है एन इमहोफ टैंक इज एन इंप्रूवमेंट ओवर सेप्टिक टैंक इन विच इनकमिंग सीवेज इज नॉट अलाउड टू गेट अप विद द प्रोड्यूस्ड विद्यूसूस हुई है ये वाली जो स्लज प्रोड्यूस हो रही है अब क्योंकि नया अलग चैंबर बना दिया डाइजेशन चैम्बर दे दिया उसको कि तुम इसमें रहो आराम से तो ये जो सेटलिंग वाला चैम्बर है इसके अंदर पानी आराम से आएगा जाएगा इस स्लज का उसके अंदर कोई भी यहां पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा द आउट गोइंग एफलुएंट इज नॉट अलाउड टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक लोड इस एफ्लुएंट में ज्यादा ऑर्गेनिक लोड नहीं जाएगा इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं ज्यादा एफिशियंट है ये एक स्टोरी दो स्टोरी दो मंजिला है ये यहाँ पर ठीक है ऊपर वाला अलग पोर्शन नीचे वाला अलग इसीलिए इसको डबल स्टोरी डाइजेशन टैंक भी कहते हैं डबल स्टोरी डाइजेशन टैंक भी इसे कहा जाता है इट इज यूज इन केस ऑफ स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायरिंग ऑनली प्राइमरी ट्रीटमेंट ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं दे आर इकोनॉमिकल एंड डू नॉट रिक्वायर स्किल्ड सुपरविजन ये इकोनॉमिकल होते हैं और इनके लिए स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है देन आता है आपका अटैच ग्रोथ प्रोसेस का एक और एग्जाम्पल आता है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर ये रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रेक्टर क्या होते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो वेस्ट आया काम वही चल रहे हैं सारे बस तरीके अलग हैं जो भी वेस्ट आया उसको हमने यहाँ पे डाला इसमें ये डिस्क होती है ये डिस्क रोटेट कर रही है ये डिस्क क्या कर रही है रोटेट कर रही है इन डिस्क के ऊपर यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया की फिल्म है और अब क्या हो रहा है जब ये रोटेट करेगी तो आधी पानी के अंदर आधी नहीं यहाँ पर लगभग 40 परसेंट फोर्टी परसेंट पानी में होती है 60 परसेंट ऊपर होती है तो 40 परसेंट पोर्शन इसका वेस्ट के टच में है सिक्सटी परसेंट एयर के टच में है तो जब ये रोटेट करेगी घूमेगी तो ऊपर जब आएगा ये पोर्शन तो तो यहां से ऑक्सीजन ले लेगा और फिर नीचे जाएगा तो वेस्ट को डीकम्पोज करने में मदद करेगा तो इस तरीके से ये रोटेट करती जा रही है यहां पर और इनके ऊपर ये फिल्म जो है बैक्टीरिया की वो वेस्ट को डिकम्पोज करती रहेगी डीकोज करेगी बाद में वो स्लज नीचे बैठ जाएगी और इस स्लज को कैसे निकालना है इसके लिए आप अपना प्रोविजन जो है वो सेट कर सकते हैं यहीं पर निकालना है या फिर आगे टैंक में जाके सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में निकालना है कैसे करना है वो हम यहां पर देख सकते हैं तो रोटेटिंग है, है। मतलब बैक्टीरिया मतलब इसके अंदर नहीं है प्रेजेंट यहां पर बाद में आ जाएगा कुछ फिल्म के साथ लेकिन मेन बैक्टीरिया कैसे लगाया इस सरफेस के ऊपर लगाया हमने बैक्टीरिया इस सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसकी मदद से क्या हो रहा है ये वेस्ट डीकंपोज हो रहा है यहां पर 40 प्रतिशत तक इसका पोर्शन जो है हम यहां पर इसके अंदर इमर्स करके रखते हैं डुबो के रखते हैं यहां पर तीन से लेके राउंड्स पर मिनट थ्री टू सिक्स राउंड्स पर मिनट की रेट से बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे थ्री टू सिक्स राउंड आप इमेजिन कर लीजिए कि आप दस सेकेंड के अंदर वो एक बार ऐसे घूम रहा है तो थ्री टू सिक्स जो है राउंड पर मिनट आप उसको रोटेट कर रहे हैं जिससे कि ऊपर जाए तो ऑक्सीजन मिले नीचे आए वो तो वहां पर उसको मिल जाए बैक्टीरिया वॉटर को डिकम्पोज करने के लिए इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द atmosphere when exposed एज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल film increases. ये हाईवे हो जाती है और नीचे गिर जाती है शियर्ड ऑफ मास इज kept in सस्पेंशन बाय टर्बुलेंस क्रिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डिस्क तो सिंपल सी बात है। डायग्राम देखो कहानी समझो खत्म डूबी होती है ये डिस्क पानी के अंदर बस इतना याद रखना है अब बात आती है दोस्तों सीवेज को कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है सीवेज को कहाँ पर डिस्पोज ऑफ करना है किसी को थकान तो नहीं हो रही किसी को थकान तो नहीं महसूस हो रही क्या नींद आ रही हो हाँ जी जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए चलो आगे बढ़ते हैं डिस्पोज ऑफ करना है अब कहानी कहां तक पहुंच चुकी है हमारी हम बात कर चुके हैं कि सीवेज जो हमारे पास आया था उसका क्या करना है सीवेज की प्रॉपर्टी समझी पहले हमने सीवेज की प्रॉपर्टी समझने के बाद हमने केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी समझ ली उसकी उसके बाद उस सीवेज को किसके थ्रू लेके जाएंगे सीवर्स उनका डिजाइन करना उनके बारे में हमने जाना उनके कॉम्पोनेट्स के बारे में हमने जाना फिर उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा अब सीवेज ट्रीट हो चुका है अब क्या करें सीवेज का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे हमें ट्रीट होके मिल गया अब क्या करें? किया जाए उसका अब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे कहीं ठिकाने तो लगाएंगे सीवेज ट्रीट हो गया वो जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो एकदम प्योर वाटर तो है नहीं तो उसका क्या करें क्या किया जाए उसको कहां पर डिस्पोज ऑफ किया जाए तो पहला तरीका जो आपके पास आता है वो क्या आता है डाइल्यूट कर दो पानी में डाल दो उसको डिस्पोज इन वाटर दूसरा है उसको इरीगेशन में यूज कर लो क्या यूज कर लो या तो बहते हुए पानी में उसको डाल दो या फिर उसको क्या करो इरिगेशन में यूज कर लो अगर बहते हुए पानी में उसको हम डालेंगे डिस्पोजल करेंगे उसका किसके अंदर वाटर के अंदर आगे भी पढ़ेंगे क्या ये तो आज का थमनेल है डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट क्लास का जो थमनेल है वही अगर नहीं हुआ तो फिर क्या बात हुई कल को फिर आप ये क्लास खोलोगे देखोगे फिर कहोगे कैसा मास्टर है जो थमनेल में लिख रखा है वो तो कराया ही नहीं बाकी सारी कहानियां बता रखी है तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट की बात कर रहे हैं सीवेज को डिस्पोज ऑफ करना है आज बहुत ज्यादा पावर इश्यूज हो रहे हैं हर थोड़ी देर में है ही नहीं पावर बैकअप वाले जो डीजीज हैं वो चल रहे हैं उनमें भी कुछ नहीं चल रहा बस अपना अपनी क्लास के अलावा कुछ भी और वर्क नहीं कर रहा आप दो मिनट आंखें बंद करो तब तक मैं देख के आता हूं बस कल नहीं करेंगे दो मिनट दो मिनट का ब्रेक आईज को रेस्ट दे दीजिए बस चलिए अब स्टार्ट कैसे सीवेज को डिस्पोज़ ऑफ़ करना है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों सीवेज का जो डिस्पोजल है सीवेज को कहा आप फाइनली उसको भेज रहे हो ठिकाने लगा रहे हो या कह लो कि जहां पे हम ये बोल देंगे कि हाँ अब तुम जो है अपने आप जो करना है वो कर लो क्योंकि अब नुकसानदायक तो तुम हो नहीं एनवायरमेंट के लिए तो हम उसको वाटर के अंदर डाल सकते हैं या फिर हम उसको इरिगेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं तो इरिगेशन के लिए जो हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं एफ्लुएंट इरिगेशन या ब्रॉड इरीगेशन या डिफरेंस है डेफिनेशन का इनके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे तो जितने लोग सो रहे हैं जाग जाइए क्योंकि आप लोग जो है बाकियों से बहुत आगे हैं बाकी लोग जो है जितने वही है कि जब कारवा शुरू हुआ तब कितने लोग आए और लास्ट तक मंजिल तक कितने लोग पहुंचे यही मैटर करता है आप एक बार पढ़ लीजिए जब आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस करेंगे आपको एटलीस्ट लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है इस सैटरडे संडे खूब सारे क्वेश्चंस जो है इनके हम कर लेंगे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे सैटरडे संडे तो जो भी एनवायरमेंट वन टू इनके प्री के मेन्स के जितने भी क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस सैटरडे संडे तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट की अगर हम बात करें तो सीवेज एफ्लुएंट जो है आफ्टर ट्रीटमेंट द सीवेज एफ्लूएंट जनरली डिस्पोज ऑफ बाई टू मेथडन से करेंगे या इरीगेशन में हम यूज कर लेंगे डायल्यूशन अब इरीगेशन हर जगह अवेलेबल नहीं होता है अगर आप बात करेंगे मान लीजिए कोई भी सिटी ले लीजिए आपके आसपास कोई भी बड़ी सिटी है तो वो अगर डेली एनसीआर देखो तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज होगी यहाँ पर कितना सीवेज का वाटर कहां ले जाके कितना आप यूज कर पाएंगे उसको इरीगेशन के अंदर तो डायल्यूशन जो है पहला रीजन है कि डायल्यूशन आप यूज कर सकते हैं या एफ्लुएंट इरीगेशन जो बाद में तो डाइल्यूशन के अंदर क्या होगा डाइल्यूशन में सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर फ्लोइंग वाटर बॉडी के अंदर लेक के अंदर नहीं करते हम कभी भी फ्लो कर रहा है जिसमें पानी फ्लो करने का मतलब क्या हो गया उसमें टर्बुलेंस होगा टर्बुलेंस होगा तो ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स होती रहेगी उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती रहेगी तो वो ऑक्सीजन जो वेस्ट हमने जो वाटर एड कर दिया अब वो ट्रीटेड है अब वो क्या है इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा एनवायरमेंट को लेकिन उसके अंदर अभी भी वेस्ट के पार्टिकल तो है ही है कुछ ना कुछ तो आएंगे एकदम 100 परसेंट थोड़ी ना हो गया वो तो अब जो पार्टिकल्स उसके अंदर आए हैं वो पार्टिकल्स वाटर के अंदर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी जिस भी स्ट्रीम के अंदर हम डाल रहे हैं वो वाटर की स्ट्रीम या रिवर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो वो उसको उसको कर कर देगी देगी जो बचा हुआ वेस्ट था उसको भी कर देगी और वो ट्रीट हो जाएगा यहां पर तो डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रीट किया हुआ सीवेज डायरेक्टली वेस्ट वाटर को हम नहीं भेजते हैं ट्रीट किया हुआ सीवेज हम भेजते हैं और वो कहा भेज देते हैं किसी रिवर की स्ट्रीम के अंदर या फिर लार्ज वॉटर ऑफ बॉडी सच एज लेक और सी लेक हटा दीजिए यहाँ पर लेक में हम उसको नहीं डालेंगे लेक के अंदर हम नहीं डालते हैं सीवेज का वाटर द डिस्चार्ज सीवेज इज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इज प्योरिफाइड बाई वट इज नोन एज सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ नेचुरल वाटर्स चलो को हो हो जाएगा जाएगा अपने आप 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 वो हो जाएगा यहां पर अब purification का का क्या है 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 ऐसे नहीं है कि उसको आप जो जो कैसे use करेंगे करेंगे जब कर कर रहे हैं, जो sewage का water off कर रहे हैं हैं ये किसके डायल्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग आप करेंगे अगर डायल्यूशन फैक्टर पांच सौ है डायल्यूशन फैक्टर क्या था हमने क्या पढ़ा था कि कितना आपने वेस्ट वाटर जो आपके पास था जैसे हम बोल रहे थे कि हंड्रेड पर आ, थ्री परसेंट डायल्यूशन इसका मतलब था कि थ्री एम जो था वो तो था आपके पास वेस्ट वाटर और क्लीन या एरेटेड वाटर जो आपके पास था वो नाइनटी सेवन एम था तो जितना ज्यादा ये वैल्यू होगी हमने कहा था इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा हंड्रेड बाई थ्री डायल्यूशन हमने क्या कहा था हंड्रेड बाई थ्री तो इसी तरीके से जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी पांच से ज्यादा अगर है तो ऐसे केस में अब फाइव अगर डायलूशन फैक्टर आपका है तो आपको उसको सीवेज को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है नो ट्रीटमेंट सच एज सीवेज कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इन टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर। अगर डाइल्यूशन फैक्टर पांच सौ से ज्यादा है तो ऐसे पानी को डायरेक्टली आप बहा दो नेचुरल स्ट्रीम के अंदर जिससे कि वो इम्प्योरिटी अपने आप प्योरीफाई हो जाएगी अगर तीन सौ से पांच सौ के बीच में है तो आप उसे प्लेन सेडिमेंटेशन दे दो एक टैंक के अंदर डाल दो जिससे पार्टिकल सेटल हो जाए फिर उसके बाद उस पानी को आप आगे बहा दो तो द एफेंट शुड नॉट कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड मोर देन वन फिफ्टी पीपीएम इससे ज्यादा जो है सस्पेंडेड सॉलिड नहीं होने चाहिए तो सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट करो अगर 300 से 500 है 150 से 300 के बीच में हो यहां पर तब आप क्या करेंगे स्क्रीनिंग करेंगे सेडिमेंटेशन करेंगे और केमिकल प्रेसिपिटेशन भी करेंगे यहां पर केमिकल्स को ऐड करके उसको हटाने की कोशिश भी यहां पर करेंगे और ऐसे केस में सस्पेंडेड सॉलिड 60 पीपीएम से ज्यादा नहीं होने चाहिए लेस देन 150 अगर डाइल्यूशन फैक्टर है आपका तो उस केस में कंप्लीट थोरो ट्रीटमेंट जो है वो आप करेंगे इसका अच्छे से और इसके बाद जो सेडिमेंट्स हैं वो 30 पीपीएम से ज्यादा नहीं होने चाहिए और इसकी बीओडी जो है 18.3 डिग्री पर 20 पीपीएम से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए ठीक है तो दोबारा से रिपीट आई रिपीट डाइल्यूशन के लिए अगर डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ज्यादा है डायरेक्टली बहा दो उस वेस्ट वाटर को मत करो ट्रीट 300 से 500 है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करो उसका आप 150 से 300 है तो आप उसको यहां पर सेडिमेंटेशन टैंक जो है उसके साथ साथ स्क्रीनिंग भी करो और उसके अंदर केमिकल्स जो है इनका भी आप केमिकल प्रेसिपिटेशन भी आप करो अगर बात करें 150 से भी कम है तो पूरा कंप्लीट जो भी हमने पढ़ा है अब तक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में पूरा ट्रीटमेंट पूरा ट्रीटमेंट करो और इसका बीओडी जो है वो 20 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए यहां पर डाइल्यूशन फैक्टर क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं बीओडी 20 ppm पीपीएम या फिर 20 मिलीग्राम पर लीटर टोटल जो सस्पेंडेड सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो हमने यहां पर 30 पीपीएम ऑलरेडी लिखे हैं या फिर आप यहां पे कह लीजिए 30 मिलीग्राम पर लीटर ये वैल्यूज आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो सीवेज का जो एफ्लुएंट है उसे आप पानी में कब बहाओगे जब उसका बीओडी फाइव बीस मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा ना हो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो आपके हैं वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से उसके अंदर ज्यादा ना हो तो जब आप किसी स्ट्रीम के अंदर पानी डालते हैं तो उसका सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है ज इज डिस्चार्ज इन टू ने क्या कर दिया वेस्ट वॉटर जो है एड कर करने के कारण यहाँ पर रिवर पॉल्यूट हो जाएगी अब रिवर के अंदर आगे जोन बनेंगे चार जोन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे अलग अलग जोन बनेंगे पहले पानी पॉल्यूट हो रहा है फिर उसके बाद धीरे धीरे वो प्योरिफाई हो रहा है आगे जाके तो बट द कंडीशन डू नॉट रिमेन्स फॉर एवर यहां पर तो पॉल्यूट हो गया लेकिन आगे जाके धीरे धीरे वो प्योरिफाई हो जाएगा और वापस अपनी नेचुरल कंडीशन में वो रिवर जो है आ जाती है इसी को इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन बोलते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन बोलते हैं तो आपने बहुत बार सोचा होगा बचपन में सोचा होगा चाहे कि जब हमें पता है कि रिवर पॉल्यूट हो जाती हैं जो भी वेस्ट है इंडस्ट्रीज का वेस्ट डालने से फिर क्यों डाल रहे हैं लोग या सरकार भी अगर उसको अलाउ कर रही है तो क्यों कर रही है क्योंकि इसलिए अननेसेसरी अगर रेगुलेशंस का ध्यान नहीं रखा जाए कि जितना अलाउड है उससे ज्यादा वेस्ट डाल रहे हो फिर फिर तो डेफिनेटली नुकसानदायक है ही है लेकिन अगर प्रॉपर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप वेस्ट को एड कर रहे हो किसी रिवर स्ट्रीम के अंदर तो वो अपने आप उसको रिकवर कर लेती है कुछ समय के अंदर यहां पर तो फिजिकल फोर्सेस इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं अगर हम इसका फिनोमिना समझें कि जो डाइल्यूशन हो रहा है डाइल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर रिवर अपने आप को ट्रीट कर ले रही है दोबारा अपने आप को प्योरीफाई कर ले रही है वो कैसे प्योरीफाई हो रहा है यहां पर इसके अंदर पहला कॉम्पोनेंट आता है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन का मतलब क्या है यहाँ पर कि पार्टिकल्स डिस्पर्स हो गए पहले क्वांटिटी थी इतनी सी वेस्ट वाटर की अब पूरे रिवर में आ गए तो पार्टिकल्स दूर दूर बिखर गए डिस्पर्स हो गए तो उसके कारण क्या हो गए वहां पर वो वेस्ट जो है कम हो गया पर हब अब हर इंडिविजुअल पार्टिकल अपने आप उसमें डीकम्पोज हो जाएगा जल्दी से अब कंसेंट्रेशन सिंपल बस वही बात है इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक रिवर आ रही थी उसके अंदर डिस्चार्ज था क्यू फिर एक यहां से वेस्ट वाटर आया उसका डिस्चार्ज आया क्यू डब्ल्यू इसके अंदर कुछ कंसेंट्रेशन थी बीओडी की तो इसके अंदर बीओडी ऑफ रिवर दे रखा होगा यहां पे आपको दे रखा होगा बीओडी ऑफ दिस वेस्ट वाटर और अब आपको ये बताना है कि जब ये मिक्स हो गया इसमें तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्चार्ज तो आप इन दोनों को ऐड कर लोगे आपको पता है इस पॉइंट के ऊपर डिस्चार्ज आ जाएगा क्यू आर प्लस क्यू डब्ल्यू आपसे ये पूछेगा यहां पर बीओडी जो है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है या फिर यहां पर क्या हो रहा है तो बस सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है कि सी की जगह आप यहां पर जो है बीओडी यूज कर लीजिए क्लियर दूसरा पहला कारण हो गया डाइल्यूट हो जाना कंसेंट्रेशन अपने कम हो, जाना। दूसरा हो गया सेडिमेंट मतलब सनलाइट के कारण यहां पर सनलाइट एज अ ब्लीचिंग एंड स्टेबिलाईजिंग इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया इटैक्ट थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट जो है वो कुछ हद तक वॉटर को ट्रीट करने में मदद करेगी बैक्टीरिया को किल करने में मदद कर देगी यहां पर ऑक्सीडेशन की बात करें तो अब ऑक्सीजन खूब सारी प्रेजेंट है जो वॉटर है रिवर का वॉटर ऑब्वियसली वो तो पॉल्यूटेड नहीं था पहले उसके अंदर खूब सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो फर्दर क्या हो जाएगा डीकम्पोज हो जाएगा यहां पर मैटर प्रेजेंट इन सीवेज एफ्लुएंट स्टार्ट एज सुन एज दीवेज आउटफॉल्स इन टू द रिवर एंड वॉटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन द डेफिशियन सो क्रिएटेड विल बी फिल्ड अपटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एटमोस्फेयर वाली ऑक्सीजन जितनी भी पानी में कमी आएगी उसको पूर्ति करेगी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन रिस्पॉन्सिबल ऑफ इफेक्टिंग सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर रिवर के अंदर टर्बुलेंस ज्यादा होगा हूं एनवायरमेंट की ऑक्सीजन है वो भी उसमें मिक्स होती रहती है इसके कारण वो सेल्फ प्योरीफाई होती रहती है इतना लेक्स में नहीं होता है झील में नहीं होता है इसीलिए वहां पर हम वेस्ट वाटर को नहीं ऐड करते हैं क्या क्या और कारण टेम्परेचर टर्बुलेंस हाइड्रोग्राफी अवेलेबल डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैसा ऑर्गेनिक मैटर आया है वापस कितना जल्दी वो रिवर का पानी री एरेट हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन उसकी कंज्यूम हो रही है ना वेस्ट को डिकम्पोज करने में तो कितना वो री एरेट हो रहा है इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि प्योरिफिकेशन कैसे हो रहा है जितना ज्यादा टेम्परेचर कैपेसिटी टू मेंटेन डिजोल्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है तो डिजोल्व ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी और उतना ही क्या होगा यहां पर रेट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज हाई होता है यहाँ पर तो केमिकल अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एक तो डिजोल्ड ऑक्सीजन वैसे ही कम होगी ऊपर से जो रिएक्शन होती हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा जल्दी होंगी तो फिर वो और जल्दी डिजोल्व ऑक्सीजन को वहां से खींचेगी और जल्दी रिवर का पानी पॉल्यूटेड नजर आएगा लार्जर अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वॉटर द बेटर एंड अर्लियर सेल्फ प्योरिफिकेशन बिलकर एलगी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन is दस वेरी हेल्पफुल इन द सेल्फ purification प्रोसेस 183 नहीं था 18.3 डिग्री था नेक्स्ट अब जोन्स ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रीम की बात करते हैं एक रिवर के अंदर कौन कौन से जोन बनते हैं पहला जोन आता है क्लियर वाटर का जोन जोन ऑफ क्लियर वाटर शुरू में यहां पे बिल्कुल क्लियर वाटर था आपने वेस्ट को ऐड नहीं किया क्लियर वाटर है डिजॉल्ड ऑक्सीजन हमने कहा हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन है कोई यहां पर दिक्कत नहीं है जैसे ही वेस्ट ऐड किया आपने वेस्ट ऐड करने पर जोन ऑफ डिग्रेडेशन बन गया यहां पर तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन के अंदर क्या होगा डिजॉल्ड ऑक्सीजन 40 प्रतिशत तक रिड्यूस हो जाती है 40 परसेंट तक पहुंच जाती है वो इट इज रिड्यूस्ड टू टू का मतलब 40 तक पहुंच गई वो तो 100 से 40 तक पहुंच जाती है के अंदर, यहां पर, तो यहां पर ऑक्सीजन यूज भी हो रही है लेकिन ज्यादा जल्दी हो रही है एज कंपेयर टू जितना पानी को वापस ऑक्सीजन मिल रहा है तो यहाँ पर रेट ऑफ एरेशन जो है वो कम है रीएरेशन वाला रेट कम है डी ऑक्सीजनेशन का रेट ज्यादा है तो इस केस में हंड्रेड से ये चालीस परसेंट तक पहुंच गया पहला आया क्लियर वाटर का फिर जोन ऑफ डिग्रेडेशन उसके बाद आया जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन के अंदर आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो आपको दिखेगा वो कहां पे दिखेगा जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन इसमें क्या होगा यहां पर बैक्टीरिया काम कर रहा है धड़ाधड़ काम चल रहा है कि वेस्ट जो आया उसको डीकम्पोज करो अब इस चक्कर में ऑक्सीजन सारी यूटिलाइज हो जा रही है यहां पर ऑक्सीजन जीरो तक भी पहुंच जाती है यहां पर ऑक्सीजन जीरो तक पहुंची काफी समय जीरो रही क्यों जीरो रही क्योंकि जितना ऑक्सीजन मिल रहा था एनवायरमेंट से वो हाथों हाथ यूटिलाइज होता जा रहा था तो ऑक्सीजन आई पहले जोन ऑफ डिग्रेडेशन में 40 परसेंट तक पहुंची अब और ऑक्सीजन रिड्यूस होती जा रही है क्योंकि जितना ऑक्सीजन मिल रही है वापस वाटर को उससे ज्यादा तो वहां पे यूटिलाइजेशन चल रहा है तो ये जीरो रहा फिर जीरो रहते रहते बाद में धीरे धीरे वेस्ट जब डीकम्पोज हो रहा हो गया था यहां पर फिर डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हुई और यहां पर इस जोन को हमने बोल दिया जोन ऑफ रिकवरी जिसके अंदर आगे फर्दर डिजॉल्ड ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज करके और फ्रेश वाटर या क्लियर वाटर में हंड्रेड तक पहुंच गई तो जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन वो रीजन है जहां पर ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कौन सा ऐसा जोन है जिसके अंदर डिजॉल्ड ऑक्सीजन जीरो हो जाती है या फिर जहां एन एरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है जीरो होने का मतलब ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन नहीं है तो एन एरोबिक कंडीशन एन एरोबिक कंडीशन मतलब मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एसटूएस गैसेज जो है यहाँ पर बनेंगी तो वो होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन जहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन जीरो होती है मार्क कर लेना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जोन ऑफ रिकवरी के अंदर आप वाटर जो ऑक्सीजन का जो है लेवल वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा यहां पर इस लेवल के अंदर और आगे जाके बिल्कुल क्लियर वाटर का जोन आपको यहां पर मिल जाएगा वंस अ रिवर हैज पॉल्यूटेड इट विल बी नॉट सेफ टू ड्रिंक इट अनलेस इट इज ट्रीटेड अगर रिवर को पॉल्यूट कर दिया है आपने तो उसको ट्रीट करके ही आप यूज करें यही बेहतर होना चाहिए ऑक्सीजन डेफिसिट का मतलब क्या है ऑक्सीजन की कमी कितनी है कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वो पानी ऑक्सीजन ले सकता था और एट प्रेजेंट कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है कितना वो सेचुरेटेड ऑक्सीजन ले सकता था कितना एक्चुअल में प्रेजेंट है तो कमी कितने की आगे वही चीज है ना यहाँ पर आपको भूख है कि आप पांच चपाती खाएं या फिर जो भी चावल जो भी जितनी कैपेसिटी आपकी उतना खाएं उसका अगर आप उसमें से तीन ही मिल रहा है मान लीजिए आपको तो आप कहेंगे डेफिशिएंसी कितने की है दो की है इसी प्रकार से वाटर कितना ऑक्सीजन जो है कर सकता था वो सैचुरेटेड से माइनस कर दीजिए जो एक्चुअल में प्रेजेंट है तो आपको पता लग जाएगा कितनी कमी है यहां पर ऑक्सीजन डेफिसिट को आप पता कर सकते हो कि किस रेट से ऑक्सीजन डी, डी उक्सिजन हो रहा है या रीऑक्सीजनेशन हो रहा है तो अगर जितना जल्दी ऑक्सीजन यूटिलाइज होता जा रहा है एज कंपेयर टू जितना उसको मिल रहा है वॉटर को तो डेफिसिट होगा वहां पर

फिर आती है थर्मोक्लाइन या फिर मेटा नीचे होती है उसके ऑक्सीजन तो नहीं पहुंचती है बोलते उन लेयर्स को यहां पर। इन विंटर सीजन एंटायर डेप्थ ऑफ लेक्स बिहेव एरोबिक पूरे एरोबिक बिहेव करती है प्रोडक्टिविटी क्या होती है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक के अंदर हम बोलते हैं कि वो फूड चेन में कितना पार्टिसिपेट कर रही है या वहां पर एल्गल ग्रोथ कितनी है यहाँ पर तो एल्गल ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा एल्गी ग्रो करेगी पानी के अंदर उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा पानी की जो क्वालिटी है उतनी ही वो रिड्यूस हो जाएगी तो इसी के हिसाब से प्रोडक्टिविटी कितनी है प्रोडक्टिविटी लेक की कितनी है उसके हिसाब से हम इनको बताते हैं ऑलिगोट्रॉफिक मिजोट्रॉफिक यूट्रॉफिक या फिर सेंसेंट लेक हम उनको बताते हैं होती हैं, इनके अंदर बहुत कम ऑर्गेनिक वेस्ट है ऑर्गेनिक तो वेस्ट के, के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे न्यूट्रिएट प्रेजेंट होंगे जो एलगी की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे अब यहां पर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी ही कम है प्रोडक्टिविटी कम है यानी कि एलगी ग्रोथ कम है वहां पर तो ऐसे केस में जो हाइपोलि है ये भी बहुत कम बनता है जो नीचे के लेयर्स की हम बात कर रहे थे वो बहुत कम होगा मीजो ट्रॉफिक लेग्स की अगर हम बात करें तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और जो बनता है वो लगभग लगभग ऑलिगो के बराबर ही होता है लेकिन ऑक्सीजन डिप्लीशन ज्यादा हो जाता है हाइपोलिमनियॉन जो नीचे की लेयर होती है ठंडी लेयर जो होती है यू के अंदर और ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होगी एलगल ग्रोथ की एन एरोबिक हो जाएगा जो नीचे का पोर्शन है वहां पर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी सेंसेंट लेक जो है बिल्कुल दलदली जो बन गई है लेक बिल्कुल मार्शी हो गई है उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो चुकी पूरा दलदल हो गया है वो तो वो सेंसेंट लेक कहलाता है तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी हो लिगोट्रॉफिक में फिर मीजो फिर यूट्रो और उसके बाद आता है आपके पास सेंसेंट लेक आ जाता है यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स क्या होता है यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक क्या होता है फिकेशन ऑफ लेक के अंदर हम बोलते हैं कि लेक्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट आए वेस्ट के साथ आए तो वेस्ट में क्या प्रेजेंट होगा कार्बन प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा फोस्फोरस प्रेजेंट होगा इनके कारण जो है वहां पर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिय अब न्यूट्रिएंट आए थोड़ी बहुत एलगी भी अगर प्रेजेंट है जो कि मिल ही जाएगी वहां पर उसके कारण फर्दर वो ग्रो करती रहेगी करती रहेगी तो जो लेक का एरिया है उसको वो रिड्यूस कर देगी श्रिंक कर देगी शेलो कर देगी उस लेक को वो तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है इट इज नेचुरल प्रोसेस जिसके कारण एलगी से वो लेक भर जाती है इन्फेस्ट हो जाती है और उसमें क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एलगी और ग्रो करने लग जाएगी यहां पर एंड साइकिल ऑफ न्यूट्रिय अब वो ग्रो करेगी तो फर्दर उनका साइकिल जो है आगे और ग्रो करने लग जाएगा द इंक्रीज इन लेक या बढ़ा देता है यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स को एंड दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन वंस फोस्फोरस इज मिक्सड इन लेक ओनली सोल्यूशन इज टू एड लाइम एंड ड्रेज आउट द सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ लेक अगर फॉस्फोरस ऐड हो गया है तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइन मिला के इसको आप खत्म कर सकते हो ड्रेज करने का मतलब है पानी में से निकालना उसके बॉटम से आप उसको निकाल के बाहर ऐसे ही बाहर कर सकते हो उसको तो यूट्रोफिकेशन को अवॉइड करने के लिए आपको जो वेस्ट वाटर है उसको लेक्स में नहीं डालना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल क्या कहता है देर शुड नॉट बी एनी डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर और ट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू द लेक लेक में वेस्ट वाटर डालना ही नहीं है ट्रीट करके भी नहीं डालना है यहां पर अब बात आती है एक सेकेंड लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया एलगी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है या प्रोड्यूस करता है कंज्यूम वो खुद के अगर फूड को डाइजेस्ट करेगा तो उसमें उसको चाहिए होगी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा उसमें वो रिलीज करेगा पढ़ते हैं ना प्लांट्स जो है उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो फोटोसिंथेसिस में उससे ज्यादा रिलीज कर देते हैं बस चलो अब देखते हैं डिस्पोजल ऑन लैंड अब छोटा सा टॉपिक बचा ज्यादा नहीं बचा डिस्पोजल ऑफ लैंड के अंदर अब मैं टॉपिक जितनी देर में दिखाऊंगा उतनी देर में खत्म हो जाएगा डिस्पोजल ऑफ लैंड की बात करें तो डिस्पोजल ऑफ लैंड के अंदर आप लैंड के ऊपर जमीन के ऊपर डिस्पोज ऑफ करेंगे सीवेज को तो क्या वो क्लियर वाटर है नहीं क्या उसके अंदर सेडिमेंट्स हैं कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जी हाँ है तो आप क्या करेंगे अगर यहां पर वेस्ट वाटर को आपने ऐड कर दिया इस लैंड पे आपने वेस्ट वाटर अगर आपने डाल दिया तो वो धीरे धीरे वेस्ट वाटर जो है हो सकता है ग्राउंड वाटर टेबल जो नीचे थी उसमें मिल जाए इस वेस्ट वाटर में हो सकता है कुछ ऐसी इंप्योरिटी हैं जो वेस्ट वाटर जो आपका ग्राउंड वाला वाटर है उसको पॉल्यूट कर दे ग्राउंड वाला वाटर कल को आपको यूज करना पड़ जाए कोई ट्यूबवेल बना रहे हैं आप कोई हैंडपंप यूज कर रहे हैं उससे आप उस पानी को यूटिलाइज कर रहे थे वो भी खराब हो गया यहाँ पर तो इसके लिए नहीं यूज कर पाएंगे और ग्राउंड वाटर के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि वो अपना सेल्फ प्योर कर पाए तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट ऑन लैंड फॉर इरिगेशन में हम कह रहे हैं कि परकोलेटिंग वाटर वाटर टेबल तक पहुंच सकता है डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट कैसा किया है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको वाटर के ऊपर डालो सॉरी लैंड के ऊपर आप डालो तो आपको यहां पर कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स के वैल्यूज दे रखी हैं कि बीओडी फाइव कितना होना चाहिए पीएच टी ऑयल एंड ग्रीस क्लोरीन बोरोन सल्फेट कितने होने चाहिए अगर आप उसको लैंड पे डिस्चार्ज करते हैं या इरिगेशन में यूज करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स टू बी डिस्चार्ज ऑन लैंड फॉर इरिगेशन चलो अब देखिए एफ्लुएंट इरिगेशन की बात करें या सीवेज फार्मिंग दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि आप अपनी मर्जी से आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी खेती करनी है जिसमें मैं सीवेज का जो एफ्लुएंट है उसका यूज करूं ताकि न्यूट्रिएंट्स मिले या फिर आपको कहा जा रहा है कि जी इंडस्ट्रीज हैं आसपास आप पानी ले लो तो एक तो ये है कि पानी को ठिकाने लगाना है इसलिए खेत में भेजो एक ये है कि किसान चाहता है कि मुझे ये वाली खेती करनी है तो बस इन दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है सीवेज फार्मिंग या एफ्लुएंट इरिगेशन के अंदर एफ्लुएंट इरिगेशन या ब्रॉड इरिगेशन के अंदर क्या होते हैं ध्यान किस चीज पर होता है इस चीज पर होता है कि सीवेज को डिस्पोज ऑफ करना है उसको ठिकाने लगाना है लेकिन क्या हो जाएगा वो तो जो है, वो मिलेंगे। लेकिन ज्यादा अगर आप सीवेज का पानी यूज करेंगे तो वो सॉइल के वाइड जो है पोर्स जो है उनको चोक कर देगा उनको ब्लॉक कर देता है तो आगे उसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है तो सीवेज को अगर कंटिन्यूसली किसी लैंड पर अप्लाई किया जाए तो उसके जो पोर्स हैं, उसकी जो खाली जगह हैं, वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर जो है, होना शुरू हो जाएगा एयर जो है वो सर्कुलेट नहीं होगी एयर सर्कुलेट नहीं होगी तो एनअरोबिक कंडीशन एन एरोन एच टू एच कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेज जो है ये आने शुरू हो जाएगी बैड स्मेल शुरू हो जाएगी वहां पर जो सॉइल है उसकी क्या हो जाएगी फर्टिलिटी जो है वो भी हैम्पर होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर तो इस फिनोमिना को जब सॉइल क्लॉग हो जाती है चोक हो जाती है ब्लॉक हो जाती है इसे क्या बोलते हैं सीवेज सिकनेस हम कहते हैं सीवेज सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सीवेज को ट्रीट करके इस्तेमाल करें चॉइस ऑफ लैंड आप जगह देखें कैसी सॉइल है वहां की कितना पानी आप अप्लाई कर सकते हैं पानी को नीचे से ड्रेन करो अंडर ड्रेनेज अंडर ड्रेनेज इरिगेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि पानी को ड्रेन आउट करो ऐसे नहीं है, है। अप्लाई कर रहे थे वो नीचे जा ही नहीं पा रहा यही रुक रहा है एक्यूमलेट ही होता जा रहा है वो नुकसान पहुंचा देगा क्रॉप्स का रोटेशन करो कभी कम पानी कभी ज्यादा पानी वाली क्रॉप्स का आप इस्तेमाल करो ताकि आपकी जगह जोगा जो है वो खराब ना हो ऐसा नहीं है कि हमेशा हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप ग्रो करते जा रहे हो तो जमीन को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है पानी पानी दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो बाई सीवेज इन शेलो डेप्थ मतलब सीवेज जो कम कम डेप्थ में अप्लाई करो ऐसा नहीं है कि भर भर के यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हो चलो एक छोटा सा टॉपिक और बचा है वो कर लेते हैं अब तो छोड़ ही दो सर ऐसे कैसे थैंक यू किसने बोला थैंक यू किसी ने मांगा ही नहीं थैंक यू की कोई बात ही नहीं है आप भी थैंक यू बोलोगे ऐसे फॉर्मैलिटी करोगे एलगी सही है या गलत है कहीं कहीं सही है कहीं कहीं गलत है ज्यादा हो जाए तो गलत गर है कहीं सही है कि हाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है वाटर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगी लेकिन बहुत ज्यादा एलगी अगर हो जाएगी तो आप देखो बहुत ज्यादा एलगी ग्रोथ हो रही है एलगी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई कर गई अब ये आपका पानी था इसमें इतनी एलगी ग्रो कर गई कि सनलाइट जो आ रही है वो सनलाइट नीचे पहुंच ही नहीं पा रही है नीचे पहुंच नहीं पाएगी तो यहां नीचे एन कंडीशंस कंडीशन डेवलप हो जाएंगी वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी पोल करवाना है चलो ठीक है कुछ घर घर की बातें करते हैं घर घर की बातों में क्या आएगा घर घर की बातों में हमने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वन पढ़ा था बिल्कुल बस रिवाइंड कर रहे हैं सारी चीजें पेन पेंसिल सब कुछ छोड़ दो ऐसी बस बात सुननी है आपको बहुत इजी सब्जेक्ट है लेंथ जरूर था अभी सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात हुई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो हमारा एयर पॉल्यूशन है उसको भी पढ़ेंगे हम तो दो दिन उनके मान लो आप वो पढ़ने हैं बस वो अलग टॉपिक्स हैं टोटली अलग कोई पहली बार भी पढ़ेगा तो आराम से पढ़ सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे वालों को रिलेटेड होना चाहिए तो अब तक जितना आपने पढ़ा है आप फंसा रहे हो मैं कुछ नहीं फसा रहा हो गया बस जो पढ़ना था जितना पढ़ना था उतना हो गया अब बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं अपन फिर पढ़ाएंगे आप नहीं ऐसा नहीं है फिर नहीं पढ़ाएंगे देखो अगर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ना है पढ़ तो लिया है अब आगे लंबे समय तक याद रखना है तो आप क्या करना एक बार इसके क्वेश्चंस देखना आराम से ठंडे दिमाग से प्रीवियस ईयर जो हम करेंगे सैटरडे संडे करेंगे सैटरडे संडे से पहले पीडीएफ मिलेगी आपको पक्का पी मिल जाएगी सैटरडे के सेशंस जो होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में ही होंगे रात को ही होंगे ठीक है तो सैटरडे सुबह से लेके सैटरडे रात तक का टाइम या इवन आप ये कह लीजिए कि फ्राइडे मतलब फ्राइडे इवनिंग लास्ट टू लास्ट अपनी क्लास चार पांच छः बजे होगी फ्राइडे के बाद सैटरडे से आपके पास सैटरडे शाम तक का टाइम होगा फ्राइडे इवनिंग टू सैटरडे इवनिंग एक दिन एनवायरमेंट वन कर लेंगे एक दिन एनवायरमेंट टू कर लेंगे इनके क्वेश्चन करेंगे हम तो उनके लिए आप प्रिपेयर रहना थोड़ा एक बार रीड आउट कर लेना सारी चीजें फिर आप उस क्लास में देख लेना

कितने टाइम से पढ़ रहे हैं आप खुद बता दो चलो ठीक है यहाँ तो क्लासेस सालों से ही चल रही है लेकिन आप अगर अपने एंड पे देखो कि आपने कब पढ़ना शुरू किया एट एन एवरेज हर दिन क्वेश्चन देखो आप 30, 40, 30, 40, 50 क्वेश्चन जो है अगर हमारी क्लासेस जो हैं आप देखते हैं तो इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं हालांकि अभी 50 क्वेश्चंस वगैरह वैसी सीरीज शुरू नहीं की फिर तो पता नहीं कितने क्वेश्चन पर डे पे हो जाएं तो इतनी क्लासेस के साथ ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन्हीं चीजों को अगर आप अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे अच्छे से आप इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में जरूरत नहीं होती है हंड्रेड परसेंट करने की एग्जाम में जरूरत होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको कितना याद रहा उसकी प्रैक्टिस कितनी हुई आपको अगर युद्ध में जाना है ठीक है आपको अगर कहीं पर फाइट हो रही है कोई तो युद्ध में जाना है दस टाइप के हथियार हैं तलवार भी है वहां पर भाला भी है वहां पर और आपके पास जो है गन भी है सब कुछ है ऐसे दस टाइप के आपके पास हथियार है रॉकेट लॉन्चर भी है सब कुछ है प्रैक्टिस किसी की भी नहीं है पक्का चलाना कुछ भी नहीं आता बस ऑपरेट करना आता है हाँ ये, ये ऐसे चलेगा ऐसे करके करेंगे तो फायर हो जाएगा ये आता है लेकिन परफेक्शन एक पर भी नहीं है आपका इसमें अब वो बेटर है या फिर आपको दस में से कोई एक दो आते हो लेकिन वो इतने अच्छे आते हो कि आप बिल्कुल एकदम मास्टर हैं उसके अंदर तो क्या होगा यहाँ पर बेनिफिट कौन सा है जहां परफेक्शन है इसीलिए कंटेंट जो है वो ज्यादा कंटेंट कह लीजिए कॉन्टेंट कह लीजिए वो जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कब आएगा जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी यहाँ पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप जितना ज्यादा अच्छे से उसको आप ग्रास कर लेंगे बार बार रिवाइज कर दो उसको बार बार इतना पढ़ दो इतना पढ़ दो कि देखते ही लगेगी ये तो ये है ये मुझे आता है तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना एग्जाम में इतना बूस्ट करेगा ये एक ब्लेसिंग कह लीजिए वरदान कह लीजिए आपको एक मिलेगा अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा किया ना जिस चीज की वो आपको पांच नंबर आप लिख के ले लीजिए जितना आपको आता है ना जितना आप पढ़ते हैं जितना आपको आता है आपके मार्क्स आने चाहिए थे लेट से 200 नंबर का पेपर है आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जितना आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपके 140 नंबर आने चाहिए थे लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त थी आपने बार बार इतनी प्रैक्टिस कर दी कि चीजें एकदम ऐसे हो गई आंख बंद करके आप लिख रहे हैं ऐसे वाली चीजें होगी इतनी प्रैक्टिस कर दी तो आप ये लगा लो पांच नंबर और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे फ्री के मिलेंगे अगर आपने पढ़ा है जल्दबाजी में पढ़ा फटाफट पढ़ लिया जैसे तैसे जो भी पढ़ना था और अब आपने जितनी चीजें याद की जो आपकी मेहनत थी वो मेहनत मान लीजिए आपने करी 110 नंबर की तो ये जो हड़बड़ी वाली पढ़ाई होती है जल्दबाजी जो पढ़ा, वाली पढ़ाई होती है जिसमें प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई तो आपने पढ़ा आपने याद तो कर रखा है 110 का लेकिन इसमें से आप 10 नंबर हटा लेना क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है इसका जो कॉन्फिडेंस होता है वही नंबर भी बूस्ट करवा देता है कॉन्फिडेंस नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग होती है या आप गलतियां करते हैं सिली मिस्टेक्स करते हैं वो चीज पढ़े हुए भी तभी होता है जब आप बोलते हो एग्जाम देखने देने के बाद आप आते हो कि यार ये तो सिली मिस्टेक हो गई ये तो आता था तो वो सिली मिस्टेक क्यों हुई क्योंकि उस पर प्रैक्टिस नहीं थी तो वहां पर जितनी मेहनत आपने की उसमें से भी डिडक्शन होंगे लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो जितनी मेहनत की अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कोई टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा आपको हिट करेगा कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे करना है इसको ऐसे कर सकते हैं टाइम बचेगा आपका तो वहां पर आपके मार्क्स जो हैं और एडिशन ऐड हो जाएंगे यहां पर और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट बता दें इंपॉर्टेंट में दोस्त एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वन में आप शुरू कर लीजिए एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वन में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोराइड कितना फ्लोराइड कितना इनके जो लिमिट्स हैं सस्पेंडेड सॉलिड कितने हार्डनेस की लिमिट इनकी लिमिट आपको पता होना चाहिए क्या है ई बी टी क्या है ये आपको पता होना चाहिए टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से ये आपको पता होना चाहिए

जो हमने वाटर सप्लाई शुरू के टॉपिक्स में वाटर सप्लाई जो है उसके बारे में डिमांड अलग अलग डिमांड जो है उनके बारे में पता होना चाहिए और अलग अलग जो वाटर सप्लाई स्कीम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम किस किस के लिए डिजाइन करते हैं फिल्टर्स है तो उसको हम किसके लिए कितने समय के लिए डिजाइन कर रहे हैं और उनकी जो आप याद रखते हैं कितनी डिमांड के लिए टू टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड पीक डिमांड किसके लिए उसको हम डिजाइन कर रहे हैं तो वो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं टैंक को डिजाइन करना प्लेन सेडिमेंटेशन जो आपका टैंक है फर्स्ट एनवायरमेंटरिंग वन के अंदर तो वो आपसे पूछा जाता है डेफिनेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सर्फेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं डिस इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं क्यों करते हैं या फिर ई e कॉली जो है ये क्या होता है तो जो मेन मेन कॉम्पोनेट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं सारे इम्पोर्टेंट सारे है बहुत सारा कंटेंट जो है वो ऐसा है कि ठीक है जो भी चल रहा है चल रहा है, कुछ थ्योरी कुछ फिलर मेटीरियल तो होता ही अगर आशीष सर ने भी दोबारा बोला तो एक सेशन रखेंगे यूट्यूब पे हम नहीं तो दस बजे यूट्यूब पे सेशन होगा बस ऐसे ही जनरल डिस्कशन रिजल्ट वाला ही कोशिश करते हैं अगर अभी एट थर्टी तक हो जाए तो एट थर्टी वो कर लेंगे 9 वो हम रख लेंगे नाइन पी पे स्टील की क्लास है और अभी सर से एक बार बात कर लेते हैं कब वो सेशन जो है वो करना ऐसे ही बता दीजिए जितना पढ़ा है इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ा है तब भी तो मैंने आपको बोला है ना कुछ डेटा की ये डेटा इंपॉर्टेंट है ये डेटा नहीं है और इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको खुद रियलाइज होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे जो सैटरडे संडे के सेशंस होंगे उनमें जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद को रियलाइज होगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है तो सैटरडे शाम को कम है चांसेस क्लास होने के कि सैटरडे शाम को हो नहीं तो संडे मॉर्निंग डेफिनेटली क्लास होगी तो संडे मॉर्निंग जो है आप क्लास अटेंड करिएगा ओके okay, अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच मिलते हैं हमारे अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक यू Mains की 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 क्लासेस क्लासेस के के बारे में, के बारे में में दोस्तों आपको बता देंगे क्लास के बारे में अभी एक ऐसे डिस्कशन वाला सेशन होगा फिर थोड़ा सा प्लान करते हैं कि किस टाइम अपने जो है मेन्स की क्लासेस कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनके बारे में बात कर लेंगे और देन वी विल प्लान डेफिनेटली मेन्स की क्लासेज अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है क्लास में बैठ के ही करनी है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कितनी क्लासेस हुई कितनी क्लासेस नहीं हुई तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब एक दो दिन के अंदर अंदर ही कल से ही मान लो कल शाम से क्लासेस शुरू हो जाएंगी मेंस के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना हम शुरू कर देंगे कहाँ पे करेंगे यूट्यूब पे करेंगे या स्पेशल क्लास में करेंगे आई विल लेट यू नो लेकिन हाँ करेंगे मेन्स की क्लासेज जो है हम स्टार्ट कर देंगे जिनमें आप पढ़ सकते हैं मेन्स की क्लासेज हो जाएंगी और कुछ है तो बताइए यूट्यूब पे करना है या कहा करना है वो देखेंगे यूट्यूब पे करना है या कहा पे एक बार थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि यूट्यूब पे करनी चाहिए या स्पेशल क्लासेज में करना है वो कर लेंगे डोंट वरी नो नीड टू वरी अबाउट इट स्पेशल क्लास में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि पार्टिसिपेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है आप इमीडिएटली आंसर बता सकते हो यूट्यूब पे दस पंद्रह सेकेंड का लैग रहता है तो जब मेन्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें मैं आपसे पूछता रहता हूँ तो वो चीजें जो है आप कब मतलब मेरी हेल्प कर पाओगे जब इमीडिएट आप आंसर करते रहते हो तो टाइम वहां पर थोड़ा कम लगेगा अन अकेडमी पे वीडियो अगर बार बार रुकती है तो ऐप अपडेट कर लीजिए आपके फोन के अंदर डेटा बहुत ज्यादा होगा बहुत सारा भर रखा होगा वो उसको क्लियर कर लीजिए कैश क्लीन कर लीजिए जो भी अननेसेसरी एप्स हैं उनको हटा दीजिए तो डेटा हटाइए फिर फोन स्मूथली चलेगा ऐप चलेगी और बेटर ये होगा लैपटॉप पे या टैबलेट पे आप पढ़ें तो ज्यादा सही रहेगा वो ठीक है ओके थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नौ बजे स्टील डिजाइन थैंक यू